I hope I am audible and my screen is visible. Hello. Okay. Good morning, sir. Just a minute, guys. It can web now. हाँ जी, कल का कोई डाउट जो कल हम लोगों ने किया है उसमें कोई क्वेरी किसी की, कोई बात जो नहीं समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं क्या? वो वाला डिजाइन आप लोगों को कंप्लीट हुआ जो मैंने नेक्स्ट आप लोगों को दिया था? आई जस्ट ओपन इट. ऐप डिजाइन कर रहे थे ना कल हम लोग, उसमें कोई इश्यू किसी को? कल हम लोगों ने ये वाला किया था फ्लिपकार्ट वाला डिजाइन जो लास्ट में चेंजेस किए थे, और ये वाला डिजाइन मैंने आप लोगों को दिया था. ठीक है, अच्छा मैप वाले शॉर्टकट में एरर आ रही है, चेक कर लेते हैं अभी क्या एरर आ रही है. और ये वाला मैंने आपको दिया था बिल्ड करने के लिए, इसमें कुछ इश्यू आया किसी को इस बुक माई शो को डिजाइन को रिप्लीकेट करने में? हाँ, टूल लिस्ट लगा हुआ शायद. बट रीजन कॉज इसमें से आ रहा होगा, आइटरेबल रिटर्न चाहिए उसके अंदर इंटरनल टाइप कास्ट में. तो हम यहां जाकर अगर ये मेथड लगाते हैं टू लिस्ट, तो उसे लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, तो ये इसने थोड़ा सा लूज छोड़ रखा है, ये रिटर्न कर रहा है इटरेबल, यहां जा रहा है लिस्ट एंड इट इज नॉट गिविंग एनी एरर. तो अब अगर हम इसे चलाते हैं तो वो लिस्ट में कन्वर्ट हो चुका है, बस दैट्स इट. तो लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, तो वो जाकर प्रिंट हो सकता है वहां पर रो के अंदर. तो हमारे जो रिकॉर्ड्स होंगे वो रो में कन्वर्ट होकर प्रिंट हो जाएंगे. ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है. तो अब हमें आज के एजेंडा पे आने, कि आज हमें क्या क्या करना है इसके अंदर, उस पर आते हैं. एक मिनट मुझे दे दो, एक मिनट. हाँ जी, तो एक बार इसे अप कर दें, एक बार अप हो जाए फिर एक बार दिखा देता हूँ आपको. और क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं, वॉइस आ रही है रोशन या नहीं अभी? और एहसान का क्वेश्चन है, वन मोर क्वेश्चन, इमेज को राउंडेड कॉर्नर कैसे करेंगे? राउंडेड कॉर्नर करने के लिए दो तरीके थे ना अपने पास. अगर हमें, हमारे पास इमेज है और जैसे इसके अंदर है राउंडेड कॉर्नर है, इसके अंदर पूछ रहे हो शायद आप ऐसा, तो आप इसे कंटेनर में डालो ना, और कंटेनर में डेकोरेशन होता है, और डेकोरेशन में बॉर्डर होते हैं, और बॉर्डर में रेडियस होता है. ठीक है, बिल्कुल सही, प्रथम ने जैसे जवाब दिया ना, बॉक्स डेकोरेशन लगाओ ना वहां पर, जैसे आप उस उधर बॉक्स डेकोरेशन जैसा कुछ लगाओगे, सो यू आर एबल टू डू दिस. ठीक है, एक बार मैं कुछ चीजें एडजस्ट कर देता हूँ ना. हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आ गई कि व्हाट वी नीड टू डू. और कोई डाउट किसी का, और कोई क्वेरी किसी को फेस हो रही हो वो बता सकते हैं, कोई इशू? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग नेक्स्ट लेवल बढ़ जाते हैं इसके अंदर, कि हमें नेक्स्ट लेवल कहां तक पहुंचना चाहिए इसके अंदर, उससे पहुंचते हैं. एक बार ये अप हो जाए, मैं एक बार दिखा दूं आपको आउटकम. इसमें कुछ आ रहा है, चाहिए कुछ एपी के जनरेटर होने में टाइम लग गया होगा, इसे एक बार रन कर देता हूँ मैं दोबारा से. ठीक है, प्रथम ने भेज भी दिया सबको कोड बॉक्स डेकोरेशन का, कि बॉक्स डेकोरेशन में आपको करना क्या है. तो आज हम क्या क्या करते हैं इसके अंदर, आज हम पहुंचते हैं नेक्स्ट लेवल ऑफ लेआउट्स पे. तो नेक्स्ट लेवल ऑफ लेआउट्स के लिए हमें
जो लेआउटिंग में देखना है, मैं एक बार उसका प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, ठीक है। टेक्स्ट साइज रिस्पॉन्सिव नहीं होता है कभी भी, है ना। टेक्स्ट साइज समझना, रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब टेक्स्ट साइज कभी नहीं होता। रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब ये होता है कि आप इतना कर सकते हो, अगर आपको टेक्स्ट साइज को रिस्पॉन्सिवनेस करना है तो आप एक परसेंटेज अपने पास रखोगे कि मेरे पास अगर टेक्स्ट है और वो वेरी कर रहा है अलग अलग जगह, मेरे को अलग अलग जगह बड़ा छोटा दिखाना है टेक्स्ट, तो मैं उसे को वेरी करने के लिए करूंगा, मैं उसे वेरी करने के लिए आई कैन यूज अ रेशियो एनालिसिस। मतलब रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने कोड में कहीं जगह मीडिया क्वेरी यूज करी है ना, जैसे आई थिंक इस वाले में की है या नहीं की, एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें नहीं करी हुई, पिछले वाले एग्जाम्पल्स में मीडिया क्वेरीज लगा रखे थे, तो मीडिया क्वेरी से मैं रेशियो निकाल लूँ कि अगर मेरे पास 5 इंच का डिवाइस होगा तो कितना बड़ा फॉन्ट होना चाहिए, तो इस तरीके मैं रेशियो निकाल सकता हूँ। बट रिस्पॉन्सिवनेस तो हमेशा उसके एलिमेंट्स के थ्रू होगी, कंटेनर लगाकर या कॉलम लगाकर उनके थ्रू हम रिस्पॉन्सिवनेस करेंगे, उनको बड़ा छोटा बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ पहले मैं एक बार आपको एक प्रेजेंटेशन दिखानी थी मेरे को आप लोगों को, ताकि हम नेक्स्ट लेवल ऑफ लेआउट से पहुंच जाए। तो हम देख रहे थे इधर थे, ठीक है। तो ये सब मैंने आपको कंटेनर वगैरह सब करा चुका हूँ मैं, मुझे आपको लेकर आना है नेक्स्ट लेवल ऑफ लेआउट की तरफ। देखो जी, ये एक बार देखते हैं फटाफट इन चीजों को। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ लेआउट कॉल्ड स्टैग। सो वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैग लेआउट। अब स्टैग को ना अगर हम बुक्स से देखें तो जो बुक्स हमें दिख रही है एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इसका मतलब स्टैग का मतलब यही होता है कि वो एक के ऊपर एक दिखना शुरू होता है। तो हमें अब एक तरह की ओवरलैपिंग करनी है कि एक एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट रखना है, ठीक है। तो अगर आप एक फोटो देखो जिसमें एक प्रोफाइल सॉर्ट ऑफ फोटो लगी हुई है, तो अगर आप इस प्रोफाइल सॉर्ट ऑफ फोटो में देखोगे तो एक लेडी की फोटो है, उस लेडी की फोटो के ऊपर एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसका हमने उसके ऊपर ओवरलैप किया टेक्स्ट, ठीक है। फिर अगर आप उसके राइट हैंड साइड में देखोगे तो आइकन्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो एक पीछे बैकग्राउंड है पहले, है ना, फिर उसके ऊपर कुछ चीजें हमने रखी हैं। ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए हमें चाहिए स्टैग। तो स्टैग का सीधा आंसर है, यूजिंग अ स्टैग यू कैन पोजिशन विजिट ओवर वन अनदर स्टैग, यानी कि एक के ऊपर एक आप स्टैग पे से लेआउटिंग कर सकते हो, यानी कि एक के ऊपर एक चीज रख सकते हो। तो इसका मतलब एक विजिट के टॉप पे दूसरी विजिट आएगी इस बार, ठीक है। तो दैट्स व्हाई इट इज यूजली कॉल्ड ओवरलैपिंग कर रहे हैं हम विजिट्स की। तो हम ओवरलैप कर रहे हैं एक विजिट के ऊपर दूसरी विजिट को, ठीक है। तो यहां पर भी लिस्ट ऑफ विजिट्स आएंगी, इसका मतलब जैसे रो में डालते थे लिस्ट ऑफ विजिट्स, इसका मतलब चिल्ड्रन बेस्ड है भी, तो हम इसमें चिल्ड्रन बेस्ड चीज डालेंगे। तो जैसे हम इसमें चिल्ड्रन बेस्ड चीज डालेंगे तो वो एक के ऊपर एक आनी शुरू होती है। तो आप समझना, जो भी पहला चिल्ड्रन आएगा वो सबसे नीचे आएगा, उसके ऊपर दूसरा चिल्ड्रन आएगा, उसके ऊपर तीसरा चिल्ड्रन आएगा, उसके ऊपर चौथा चिल्ड्रन आएगा, ठीक है। तो अब पॉइंट ये है कि ये कैसा दिख रहा होगा, इस पे मैं लेकर आता हूँ आप सबको। तो देखो, एक मिनट, तो पहले एक बार हम इसका मेन फंडा समझ लेते हैं फिर आते हैं। तो हम ऐसा कुछ कर रहे होंगे, अगर हम बात करें तो सो द पॉइंट इज कि अगर हमने स्टैग यूज किया यहां पर, तो स्टैग बेसिकली क्या करेगा, वो कहेगा कि अगर आपने एक कंटेनर रखा है एज अ चिल्ड्रन, बिकॉज मैं आपको बताया ना स्टैग में मेरे पास क्या होते हैं, मेरे पास यहाँ पर चिल्ड्रंस होते हैं, ठीक है। तो स्टैग कंटेन्स चिल्ड्रंस, सो इट कंटेन्स चिल्ड्रंस, ठीक है। और उस चिल्ड्रंस में मेरे पास अगर सपोज द फर्स्ट चिल्ड्रन इज, लेट्स से वी आर अज्यूमिंग इट्स अ कंटेनर, तो वो कंटेनर है, तो कंटेनर सबसे नीचे आ गया स्टैग में बुक की तरह। अब मैंने अगर एक और कंटेनर रखा तो वो कंटेनर इसे ओवरलैप कर जाएगा, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड इट इज डूइंग अ ओवरलैपिंग, सो इट विल बी गेट ओवरलैप। इसका मतलब सपोज अगर ये रेड कंटेनर है जो कि फर्स्ट है, सपोज दिस इज अ रेड कंटेनर एंड इफ दिस इज अ ग्रीन कंटेनर, सो इट वुड बी गेट ओवरलैप्ड बाय अ ग्रीन कंटेनर, ठीक है। तो अब ओवरलैप होने का मतलब ये है कि अगर मैं इस कंटेनर का हाइट यानी कि डायमेंशन इसकी स्मॉल कर दूं तो वो ठीक इसके ऊपर दिखेगा ग्रीन कंटेनर, ठीक है। तो अगर हमें इस टाइप का लेआउट चाहिए तो यूजली बहुत सारी जगहों पे चाहिए होता है, जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो, व्हाट्सएप में एक बैकग्राउंड आता है, ठीक है। तो आप बैकग्राउंड सेट करते हो, उसके ऊपर आपके मैसेजेस दिखते हैं, आपने ध्यान दिया, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टैग कि वो बेसिकली क्या यूज कर रहे हैं, वो स्टैग लेआउट यूज कर रहे हैं।
हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है कि व्हाट एग्जैक्टली द स्टैग लेआउट, के स्टैग लेआउट असल में कर क्या रहा है, वो हमें समझ में आ जाए सबको कि स्टैग लेआउट हम पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसमें कोई डाउट है तो आप लोग पूछोगे कि एनी इश्यू यू विल फेस इन दिस और नॉट, क्योंकि हम टुडे वी आर गोइंग टू कवर द थिंग कॉल्ड स्टैग लेआउट, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नए तरीके की लेआउटिंग, उसके बाद हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे स्टैग लेआउट खत्म करने के बाद, क्योंकि अभी हमें जो मैंने आप लोगों को दी है एप्लीकेशन, अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहां पर भी स्टैग लेआउट था एक्चुअली में। तो देखो वापस आते हैं एक बार इस पे, देखो ध्यान से देखो किसी को दिख रहा है इसके अंदर स्टैग लेआउट है जो मैंने आपको दिया है, जैसे प्रमोद ने बोला इट इज सेम एज जेड इंडेक्स इन सीएसएस। यस, अगर आप सीएसएस से तो हो तो वहां जेड इंडेक्स है, तो सीएसएस में नहीं होता प्रमोद, जेड इंडेक्स वो सब जगह ही होता है, तो जेड इंडेक्स इज जेड इंडेक्स है समहाउ, ठीक है। तो आप जेड इंडेक्स पे काम कर रहे हो अल्टीमेटली, ठीक है। यहाँ तक क्लियर, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अ वर्ड कॉल्ड ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब रो और कॉलम एक्स और वाई पे काम कर रहे थे, दिस इज इन अ जेड, दैट्स व्हाई मैंने ओवरलैप वर्ड यूज किया। अगर आपको दिख रहा है इसके अंदर कुछ ओवरलैपिंग है, देखो गाइस कहीं पर दिख रहा है आप लोगों को ओवरलैपिंग है, देखो आप मुझे बताओ, हैव यू फाइंडेड आउट एनी सॉर्ट ऑफ ओवरलैपिंग देयर। अगर आप देख रहे हो सबको, जैसे प्रमोद ने बताया कि टेक्स्ट की यानी कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट है, ठीक है। तो इमेज के ऊपर, हाँ प्रथम ने जैसे बताया इमेज के ऊपर ऑनलाइन डाला हुआ है, तो ऑनलाइन लिखा हुआ है हम लोगों ने और इमेज पे टेक्स्ट लगा हुआ है, तो इट्स अ ओवरलैपिंग। तो इसका मतलब अगर हम इसे बनाएंगे तो उसमें रो भी होंगी, कॉलम्स भी होंगे और स्टैग भी होगा। तो उससे पहले एक स्टैग का एग्जाम्पल देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आते एक बार कोड पे, तो दिस इज अनदर लेआउट। ये भी बहुत ज्यादा यूज होता है, जैसे रो कॉलम बहुत यूज होते हैं ऐसे ये बहुत यूज होता है। तो यहां जाते हैं एक बार स्क्रीन पे और अपनी सिक्स स्क्रीन बना लेते हैं, ठीक है। यहां पहुंच जाते हैं एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट यूज स्टेटलेस बना देता हूँ, भी सिर्फ चेक ही तो करना है हमें, तो स्टेटलेस बना दिया इसे, इम्पोर्ट कर दिया। अगर ये डायनेमिक होगी तो स्टेटफुल बना देंगे इसे, ठीक है। अब सपोज हमें यहाँ पर स्टैग लेआउट यूज करना है, तो मैंने यहाँ पर अभी फिलहाल किया स्कैफोल्ड और यहाँ हमने डाल दिया बॉडी और इसे डाल दिया हम लोगों ने सेफ एरिया में, और यहाँ जाके वी आर यूजिंग अ वर्ड चाइल्ड और इसके अंदर हम डालते हैं इस बार स्टैग, ठीक है। तो हमने स्टैग बिल्ड कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो हमारे पास स्टैग आ गया। अब स्टैग के अंदर हम जाए तो चिल्ड्रंस दिखते हैं हमें, और चिल्ड्रंस के अंदर आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कंटेनर। तो यहाँ मैंने एक मेथड बना दिया गेट कंटेनर, ठीक है, जो कंटेनर बनाने का काम करेगा, और यहाँ बोल दिया रिटर्न कंटेनर कि भाई कंटेनर बनाओ, ठीक है। और कंटेनर के कुछ प्रॉपर्टीज में यहाँ से सेट कर दूंगा, उसके बेसिस पे सब कुछ चीजें चलनी शुरू होंगी। और यहाँ से रिस्पॉन्सिवनेस करने के लिए हम लोगों ने मीडिया क्वेरी लगा दिया इस पर, मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज, जिससे वी गेट डिवाइस साइज, हमें यहाँ से डिवाइस साइज मिल गया, ठीक है। कोई बात नहीं समझ आएगी तो पूछोगे आप लोग, तो यहाँ कर देते हम साइज डिवाइस साइज नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। दिस इज गेट क्रिएटेड। अब यहां जाते हैं और इसको कॉल लगा लेते हैं गेट कंटेनर नाम के मेथड को, और यहां जाकर हम डिवाइस साइज को पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से मैंने डिवाइस साइज को पास कर दिया एज एन आर्गुमेंट, तो यहां व्हाट वी गेट साइज डिवाइस साइज, ये हमारे पास आ गया। एंड फ्रॉम हेयर आई स्पेसिफाई विड्थ, और विड्थ में जाकर हम इसकी विड्थ स्पेसिफाई करके आते हैं डिवाइस साइज डॉट विड्थ, ठीक है, और हाइट में डिवाइस साइज डॉट हाइट, ठीक है। ये हमने सेट कर लिया दोनों चीजें, और साथ साथ आई वॉन्ट अ कलर, तो मैं कलर भी यहां से पास कर सकता हूं। सो आई यूज अ कलर कलर, और अगर हम यहां देखें तो हम यहां वो कलर पास करके आ जाता है, ठीक है। तो मैंने ये सब चीजें यहां पास कर दी, कंटेनर बना लिया, तो डिवाइस साइज तो दे दिया मैंने यहां पर, साथ में आई वॉन्ट टू गिव अ कलर, तो मैंने यहाँ पर जैसे लिख दिया कलर्स डॉट रेड दे दिया मैंने इधर से, तो एक कंटेनर बन गया, ठीक है ना। अब मैं एक दूसरा कंटेनर बनाने जा रहा हूं उसमें, तो एक काम और करते हैं, इसमें एक काम और करते हैं, जैसे हम डिवाइस साइज डॉट विड्थ दे रहे हैं तो बेटर हम इधर है ना ऐसा पास करते हैं डबल विड्थ और डबल हाइट, बेटर ये, ठीक है, रेदर देन डिवाइस साइज पास करनी चाहिए, क्योंकि मेरे को वैरायटी ऑफ पास करनी है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिवाइस साइज डॉट विड्थ डिवाइड बाय टू और डिवाइस साइज
डॉट हाइट डिवाइड बाई टू, ठीक है, ये मैंने पास कर दिया इस पे. सो दिस इज गेट पास, इट्स दिस इज माई कंटेनर. अब मैं इसे कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ कंट्रोल भी करता हूँ, एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट यूज अ डिवाइड बाय थ्री, एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट यूज अ कलर ग्रीन, लेट्स से दिस वन लाइट ग्रीन, ठीक है. अब यहां से मैं इसे फिर से कॉपी करता हूँ, फिर से इसे पेस्ट करता हूँ, और आप देख रहे होगे तो जो सबसे पहला कंटेनर जाएगा दिस वन इज सबसे पीछे आएगा, ठीक है. उसके ऊपर ओवरलैप कौन करेगा, ये वाला, इसलिए मैंने इसका साइज थोड़ा छोटा किया डिवाइड बाई थ्री करके, और उसको ओवरलैप करेगा ये वाला, तो इसको हमें ना एक के पीछे कंटेनर दिखने शुरू हो जाएंगे, और इस पे कलर, इसलिए कलर्स भी अलग अलग दे रहा हूँ ताकि हम देख पाए इसे. इसे कर दिया मैंने ब्लू, ठीक है, ब्लू एसिड, ठीक है. तो ये दिस इज गेट क्रिएटेड, और यहाँ इंस्टेड ऑफ दिस वी स्पेसिफाई द थिंग कॉल्ड विड्थ, और यहां जाके वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई हाइट, ठीक है. सबको मेरी बात समझ में आ गई है, तो हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर कुछ ओवरलैपिंग हो रही है, तो इसी चीज को हम आगे, इसी प्रिंसिपल को हम आगे चल के यूज कर पाएंगे. तो अब यहां जाते हैं और मेन डॉट डॉट पे आते हैं, एंड फ्रॉम दिस मेन डॉट डॉट कल जो हमने फ्लिपकार्ट डिजाइन बनाया था उसे हटाते हैं, और यहां से वी आर हेयर ऑन दिस सिक्स, और यहां से आई एम गोइंग टू रन दिस. सो यहां से मैं इसे रन कर देता हूं, तो ये हटेगा, और देखो ये कुछ ऐसा आ गया. तो आप सब मुझे देख के बताओ कि आर यू गाइज एबल टू सी देर इज ओवरलैपिंग, कि ओवरलैपिंग हो रही है इसमें, ये आपको दिख रहा है इट इज गोइंग टू ओवरलैप एवरीथिंग? यस सर. ठीक है, रेड रेड, ठीक है. तो रेड आपको दिखा बिल्कुल पीछे चला गया, ठीक है, और ग्रीन उसके ऊपर आ गया, और फिर ये, तो ये डिजाइन वेल्स, क्या मैं बोलूं, ये डिजाइन वेल्स सूटेड है ऐसे केसेस में. यहाँ पर भी यही हो रहा है ना, एक इमेज है उसके ऊपर ऑनलाइन लिखा गया है ना, इमेज है उसके ऊपर गिफ्ट या सेलिब्रिटी विश लिखा गया है. तो अगर हमें कुछ ऐसा लिखना है इमेज के ऊपर लिखना है, तो वी नीड अ थिंग कॉल्ड स्टैग. अब पॉइंट ये है कि ये तो अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट कहाँ चलता है, देखो जरा, ये बाय डिफॉल्ट चलता है टॉप लेफ्ट से. अगर हम यहाँ देखें तो हमें समझ में आना चाहिए कि जब भी ये चीजों को चलाएगा तो वो यहां से चलाएगा, यानी कि इस टॉप लेफ्ट से. इसका मतलब जितने भी कंटेनर्स बने हैं वो टॉप लेफ्ट से होते हुए बने हैं ना, वो भी टॉप लेफ्ट से पीछे से बनता हुआ रहा है, और वो भी पीछे से टॉप लेफ्ट से बनता हुआ रहा है. तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट इसका जो पोजीशनिंग सिस्टम है वो कैसे काम कर रहा है, टॉप लेफ्ट से काम कर रहा है. हाँ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है कि स्टैग हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग. तो स्टैग के साथ हमें दो वर्ड जोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो स्टैग कहता है कि देखो जब मैं एक्चुअली मैं कोई काम करता हूं, तो मैं यहाँ पर कुछ 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 पॉइंट्स हाईलाइट कर रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए. सो स्टैग इज एक्चुअली सेइंग, आई जस्ट क्लियर इट आउट दिस थिंग, और वापस आते हैं हम अपने ओरिजिनल प्रेजेंटेशन पे. तो आई थिंक यहाँ सबको दिखना जरूरी है कि यहाँ स्टैग यूज हो गया है, क्योंकि अगर हम देखें तो बैकग्राउंड में एक इमेज है, तो हम ऐसा कुछ बिल्ड करेंगे भी तो बैकग्राउंड में एक इमेज है, और उस इमेज के साथ इफ यू जस्ट सी कि उस पर्सन का नाम है, ठीक है, तो उसके ऊपर कुछ टेक्स्ट है, दिस इज अ टेक्स्ट, ठीक है. साथ में अगर हम देखें तो दिस इज अ आइकन, दिस इज एन आइकन, तो इसका मतलब ये सब किसके ऊपर ओवरलैप है, इमेज के ऊपर ओवरलैप है. तो इसका मतलब बिहाइंड द सीन वी हैव दिस बैकग्राउंड इमेज, उसके ऊपर हमने ये सारी चीजों की ओवरलैपिंग करी है, ठीक है. लेकिन अगर हम देखें तो इनके ओवरलैपिंग करते हुए इनको अलग अलग पोजीशन पे रखा गया है, इनको अलग अलग पोजीशन पे रखा गया. तो बिकॉज ऑफ दिस कि यहाँ पर पोजीशन विजिट नाम की चीज आती है, जिससे हम स्टैक के ऊपर पोजीशन कर सकते हैं हर एलिमेंट को, ठीक है. तो हम एक तो स्टैग ही पढ़ रहे हैं, और एक हमें दिख रहा है कि स्टैक के साथ वी कैन डू अ पोजीशनिंग, हम पोजीशनिंग करके आ सकते हैं. मेक सेंस, सबको मेरी बात समझ में आई है? सो दिस इज द फर्स्ट थिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर बात समझ ली है. अब मैं आपके साथ यहाँ एक पॉइंटर्स बना रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए समझने, क्योंकि स्टैग के बारे में अगर कोई पूछेगा तो आपको ये पॉइंट्स पता होने जरूरी है. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैग, स्टैग यूजली यूज अ वर्ड कॉल्ड, कि इसके पास वर्ड है कि ये पोजिशन विजिट्स के साथ काम करता है, इट इज वर्क विद अ पोजिशन विजिट, एज वेल एज इट वर्क फॉर नॉन पोजिशन विजिट्स. तो वो नॉन पोजिशन विजिट्स के साथ भी काम करता है, ठीक है. आई होप यहां तक सबको समझ आ रही है. तो पोजीशन विजिट का मतलब क्या है, कि आप अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड पोजीशन विजिट, उसे हम पोजीशन विजिट बोल रहे हैं, जिसके हिसाब से हम पोजीशनिंग करके आ सकते हैं, ठीक है. तो अगर हमें अपनी कस्टमाइज पोजीशन देनी है, कस्टमाइज पोजीशन का मतलब समझते हैं, देखो
कस्टमाइज पोजीशन का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई स्टैग है, ये एक एरिया है स्टैग में, अब आप बोल रहे हो कि मैं अपने हिसाब से चीजों को प्लेस करना चाहता हूँ, तो इसका मतलब आई वॉन्ट टू प्लेस इट बाय कोऑर्डिनेट्स, कि मेरे पास कोऑर्डिनेट्स है उसके हिसाब से प्लेस करके आऊंगा। तो सपोज मेरे को अगर ये एक बैकग्राउंड है और इसके ऊपर मेरे को एक कंटेनर प्लेस करना है, तो मैं उसे ना यहां से इस वाले जो बिल्कुल ये लेफ्ट कॉर्नर, इसे हम समझेंगे जीरो जीरो, ठीक है जीरो जीरो हमने इसे समझ लिया। तो यहां अगर हम जाएंगे इस जगह तो लेफ्ट इंक्रीज होगा, यहां जाएंगे तो टॉप इंक्रीज होगा, ठीक है। तो हमें इसे समझ लिया दैट्स अ जीरो जीरो कोऑर्डिनेट जो हमेशा होता है। और अगर हम कोई कंटेनर बनाएंगे, सो वी आर गोइंग टू गिव समथिंग लाइक लेट्स से आई एम सेइंग 20 और 10, तो मैंने बोला 10 लेफ्ट, ठीक है। तो 10 जो डिनोट कर रहा है दैट इज अ लेफ्ट, और 20 जो डिनोट कर रहा है दैट इज अ टॉप। तो मैंने ऐसे डिनोट किया ने? और मैंने कोऑर्डिनेट के हिसाब से इसे स्पेसिफाई कर दिया। सो व्हाट आई यूज, एक्चुअली आई यूज अ कोऑर्डिनेट, एंड दिस कोऑर्डिनेट इज यूज्ड बाय व्होम, बाय पोजीशन विजेट, ठीक है। सबको मेरी बात समझ आ रही है? तो आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट्स देके किसी भी जगह, तो अगर आपको कोई बोलते हैं कि मुझे यहां एक आइकन प्लेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां देकर आऊंगा बॉटम, तो यहां होगा बॉटम और बॉटम से राइट, तो मैं बॉटम राइट यूज करके आऊंगा। गाइस किसी का माइक ऑन है यार, देखो ठीक, तो ये बात समझ में आई आप सबको, तो बॉटम राइट में यूज करके आऊंगा, बिकॉज ऑफ दिस बॉटम राइट आई कैन डू दिस थिंग, ठीक है। देखो कोई डाउट है अगर किसी को इसके अंदर कि हम इसके साथ, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मैं टॉप राइट यहां बोल दूंगा, बॉटम राइट स्पेसिफाई करके आ सकता हूं, और यहां बॉटम लेफ्ट स्पेसिफाई करके आ सकता हूं। तो इसका मतलब दिस इज अ वे आउट फॉर पोजीशन विजिट, ठीक है। ये बात सबको डाइजेस्ट है कि पोजीशन विजिट्स कैसे काम कर रही है। इसके साथ फिर एक और वर्ड यूज होता है नॉन पोजीशन विजिट। जब भी हम नॉन पोजीशन विजिट की बात करते हैं तो इसका मतलब हम कुछ ऐसी बात कर रहे हैं कि हम बाय डिफॉल्ट जब भी हम इसे प्लेस कर रहे हैं तो हम इसे किसी टॉप लेफ्ट से पोजीशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम एक तो हम अपने हिसाब से पोजीशन कर सकते हैं कि हम उसे कहाँ रखना चाहते हैं, एक है नॉन पोजीशन। तो जब भी हम नॉन पोजीशन स्पेसिफाई कर रहे हैं तो हमें नॉन पोजीशन के लिए मतलब कुछ ऐसा समझना है कि मेरे को एक्चुअली मेरे को लगता है कि मैंने ना कुछ गड़बड़ बोल दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। एक मिनट ना, आई एम जस्ट, मैंने कहीं उल्टा तो नहीं बोल दिया है, मैंने इसे मेंटेन कर रखा है, आई जस्ट चेक दिस आउट समवेयर। एक मिनट, तो मैंने आपको बताया क्योंकि शायद अपोजिट हो सकता है स्टैग, क्योंकि इसका नाम से कंफ्यूज होने जाती है। वन इज पोजीशन जो मुझे मेंटेन करनी है, एंड वन इज नॉन पोजीशन, ठीक है। फॉर पोजीशन पर्पस और नॉन पोजीशन पर्पस, ठीक है। तो आई थिंक सही बोला है, मेरे को लग रहा था गलत है। सो आई जस्ट रिपीट गाइस, सो पोजीशन मींस वी वांट टू गिव सम कोऑर्डिनेट्स दैट आई गिव इट, राइट। सो मैंने जो भी गिव इट किया है बाय यूजिंग दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड पोजीशन। सो इट्स अ परफेक्टली फाइन। सो पोजीशन विजिट इज एन आंसर फॉर पोजीशनिंग। नॉन पोजीशन मींस यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट, सो यू आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट, नो कोऑर्डिनेट एट ऑल। सो इट मींस डिफॉल्ट पोजीशनिंग सिस्टम काम करेगी उसके अंदर, डिफॉल्ट पोजीशनिंग सिस्टम जो हम यूज। सो इफ यू जस्ट गो हियर इन दिस एग्जांपल, जैसे ये अपने आप प्लेस हो रहा है दैट इज कॉल्ड नॉन पोजिशनल, इसका मतलब कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा उसके अंदर। लेकिन अगर हम इसे पोजीशन करना चाहते हैं तो हमें पोजीशन की तरफ जाना पड़ेगा कि हाउ वी कैन गोइंग टू प्लेस इट। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बैकग्राउंड इमेज वाला खेलते हैं, ठीक है। तो इससे हमें समझ में आएगा। तो वी आर गोइंग टू क्रिएट लाइक दिस कि हमें एक बैकग्राउंड इमेज चाहिए, उस पे आइकन्स चाहिए उसके ऊपर, और उसके ऊपर उसका नाम चाहिए, ठीक है। तो इफ यू वांट टू डू दिस काइंड ऑफ जॉब तो कैसे करेंगे? आई होप यहां तक समझ आ गया कि
देयर इज अ डिफॉल्ट पोजीशनिंग और इवन यहां से हम क्या करते हैं, ये तो बहुत बेसिक सा कोड था सिक्स वाला, इसको नहीं छेड़ता मैं क्योंकि इसमें नॉन पोजिशनल का एग्जाम्पल मिल गया आप लोगों को क्योंकि डिफॉल्ट पोजिशन सिस्टम चल रहा है। और मैं यहां जाके बोलता हूं आई वांट अनदर वन, देयर इज सेवन, ठीक है। यहां पहुंचते हैं, यहां पहुंच के आई क्रिएट स्टेटलेस, एक और क्रिएट करते हैं सेवन, इसका नाम देते हैं एंड फ्रॉम हियर आई जस्ट यूज इम्पोर्ट पैकेज लाइक दिस, ठीक है। और यहां हम पहुंच जाते हैं, वी आर यूजिंग स्कैफोल्ड हियर और प्रोवाइडिंग बॉडी हियर एंड इनसाइड इट वी हैव द सेफ एरिया और चाइल्ड एंड इनसाइड इट वी स्पेसिफाई द स्टैक, ठीक है। तो हमने यहां तक स्पेसिफाइड कर दिया एंड नाउ फ्रॉम हियर We use a children. अब what I want कि भाई एक काम करो कि सबसे पहले एक हम इमेज देना चाहते हैं इसके अंदर, ठीक है। So we want to fit some image. So I just use image.network, ठीक है। और यहां से we just go here. और यहां हम कर लेते प्रोफाइल फोटो, ऐसा सर्च मार लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ना प्रोफाइल फोटो दिखने शुरू जाएंगे, ठीक है। तो हमें अलग अलग प्रोफाइल फोटो दिखने शुरू यहाँ से, ठीक है। तो सपोज मान लो हमने ये प्रोफाइल फोटो उठा लिया, ठीक है, आई थिंक, बट लेकिन हमें चाहिए थोड़ी सी जो मतलब पोर्ट्रेट स्टाइल में, तो ये पोर्ट्रेट स्टाइल में दिख रही है मुझे, तो इसे पिक कर लेता हूँ कॉपी इमेज एड्रेस में एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट से कॉन्स्ट URL और यहाँ इसे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और इस इमेज पे अगर आप देखोगे तो ये कुछ एडिशनल पैरामीटर आ रहे हैं विच इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड फॉर अस, गूगल इसे यूज करता होगा बट फॉर अस इट इज नॉट रिक्वायर्ड, तो मैं ऐसा रख देते हैं ऐसे। तो ये आ गए हमारे पास इमेज और फ्रॉम हेयर आई जस्ट से URL, ऐसा कर देते हैं, ठीक है। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग इतने कोड को, इतने पोर्शन ऑफ कोड को, क्योंकि इस टैग में गया तो इसमें क्या किया है बिहाइंड द सीन ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सो जस्ट गो टू द मेन And here I am saying start the 7, ठीक है। अभी मैंने इसके ऊपर कुछ overlapping नहीं करी guys, ठीक है। और इसे run कर देते हैं, तो ये run होता है और एक बार यहाँ पर image आने देते हैं, तो अभी blank दिखा रहा है और थोड़ी देर में image आ जाएगी इस पे। कवर कर लेता हूँ, पहले मैं इस URL को भी कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ हम इसे एक बार पेस्ट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपने पास इमेज, लेकिन 7 पे इसने इमेज क्यों दी हमें, एक बार मैं पे चेक करता हूँ। यहाँ से हमने मेन चला दिया है, 7 इज वर्किंग बट इट इज नॉट शोइंग एनीथिंग, ठीक है। ये काम करते हैं, वी जस्ट रैप दिस इमेज इनसाइड अ कंटेनर, तो कंटेनर का जो डायमेंशन जाएगा वहां तक जाएगा। और वन मोर थिंग, ये तो ठीक है कंटेनर में, इस पे हम एक काम और करते हैं, स्टैक फिट नाम से प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो है ना बाय डिफॉल्ट बहुत छोटा आ रहा होगा, तो स्टैक फिट डॉट एक्सपेंड कर देते, बाय डिफॉल्ट वो लूज होता है, ठीक है। और इसे एक बार रन कर देते हैं, बट व्हाई इट इज नॉट शोइंग, मैंने इसे एक्सपेंड तो बोला, एक्सपेंड का मतलब पूरी बड़ी इमेज आ जानी चाहिए यहाँ पर, मतलब पूरे में एक्सपेंड कर देना चाहिए। अब ये क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, देयर आर टू प्रॉब्लम्स आई थिंक, ये मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ गाइस, अगर कुछ ऐसा हो रहा है ना तो उसका एक तरीका है क्रॉस चेक करने का। We can do just इसे मैं omit करता हूँ just for a meanwhile and here I just use a color and colors dot blue accent डाल देते हैं एक बार, तो ये काम कर रहा है, तो what's wrong with this, जब ये पूरे पे आ सकता है so why not this image is coming, so just a minute, जब ये आ सकता है color so why not as a child image.network would be there, ये बहुत छोटी इमेज है,
चाहिए कोई लॉन्गर इमेज ना जो पोर्ट्रेट स्टाइल में जा रही है, की जा रही है, शायरी की भी जा रही है। हाइट विड्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इमेज का भी जो साइज है ना अपने आप में, इसलिए प्रथम लग नहीं रहा कुछ। आई जस्ट वांट टू चेक कि भाई कुछ इमेज की प्रॉब्लम है। फिट डाल कर आए थे मैं इसमें कि शायद वो से फिट ही ना कर रहा हो उस पे, तो बॉक्स फिट डॉट कवर ब्लैंक क्यों दिखा रहा है यार, इमेज दिखा देनी चाहिए। हमारा सही है, ये बड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा है कि इसके पास इमेज ही नहीं दिख रही है। एक मिनट, इमेज तो है अपने पास, स्टैक है इसमें, स्टैक फिट है उसमें, चिल्ड्रन में हमने इमेज डॉट नेटवर्क डाल दिया है, इमेज बैकग्राउंड में जानी चाहिए। एक मिनट मैं बस क्रॉस चेक करता हूँ, स्टॉप कर रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है, जस्ट टू चेक कि हो क्या रहा है, क्योंकि इसने कोई एरर भी नहीं दिया है। कोई एरर आ जाता ठीक था, उसमें बदल जाता है, इसने एरर नहीं दिया है, नहीं आउटकम दिया हमें एक बार में, क्योंकि कल से चल रहा है ये एमुलेटर, सो आई जस्ट क्लोज इट डाउन कि इमेज क्यों नहीं उठा रहा है। वाइप डेटा मतलब मैं इसे क्लियर कर रहा हूँ ताकि इसके पास कुछ पहले से मेमोरी में पड़ा उसे हटा रहा हूँ मैं। देन आई एम रनिंग फ्रेश एवीडी, ठीक है, जस्ट टू क्रॉस चेक गाइस कि ये क्यों नहीं आ रहा। नहीं चाहिए यार, हाइट विड्थ नहीं चाहिए होगा दोस्त यूआरएल में ना, देखो ये भी यूआरएल हमने बिना हाइट विड्थ के चलाया ना इसका, और ऐसी वाला भी बिना हाइट विड्थ के चलाया है, सिर्फ डॉट जेपीजी है, तो इसे चल जाना चाहिए। और स्टैक फिट दे रखा है, होता क्या है अगर कोई चीज फिट नहीं होगी तो कोड फट जाता है। कल याद है ना हमने परसों देखा था, हमने एक्सपेंडेड का फीचर लगा देते हम, अगर कोई चीज बड़ी हो जाती थी स्क्रीन से बाहर जाती है हम एक्सपेंडेड लगा के एडजस्ट कर देंगे उसे, लेकिन अभी तो ये स्टैग में ही दिखाना चाहिए ना इसे, इसे एक इमेज पीछे डाल देनी चाहिए बैकग्राउंड में, तो बैकग्राउंड में इमेज चली जानी चाहिए वाली। तो चेक करते हैं एक बार अभी क्यों नहीं जा रही है, एक बार इसे आप होने देते हैं, अब हो गया है, इसे रन करते हैं एक बार, क्रॉस चेक करते हैं कि व्हाई इज डूइंग दिस थिंग, क्योंकि इसे आइडियली नहीं करना चाहिए इस मूवमेंट पे। मेन डॉट डार्ट चेंज किया यार मैंने, मेन डॉट डार्ट में 7 डाल दिया था मैंने, तभी वो ब्लैंक आ रहा है क्योंकि हम 7 पे गए हैं, 7 पे जाने के बाद वो यहाँ गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने कलर भी तो चलाया था, कलर चला था, तो या तो बग होना चाहिए कि इफ इट इज नॉट सपोर्टिंग, तो बग आ जाना चाहिए, आ गया।
ठीक है, तो समझ रहे हो ना ये क्या था। अगर हम देखें तो ये चेंजेस नहीं ले रहा था मेरे, क्योंकि एम्युलेटर कल से चल रहा था शायद, इस वजह से इसने हमें घुमा दिया इसके अंदर, और बग भी नहीं रहा था तो इसका खुद का बग है। ठीक है, तो हमारे पास एक इमेज आ गई जो हमें चाहिए थी बैकग्राउंड में। आई होप ये सबको समझ में आ गई होगी। कभी कभार अगर ऐसे इश्यूज आए तो आप उसे क्लियर करो चीजों को और फिर चलाओ दोबारा से। तो चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करे उस वक्त उसने। ठीक है, नहीं, इसमें मतलब डिबग करना मुश्किल नहीं, सब में आता दोस्त। मैंने जैसे जावा बहुत स्टेबल है उसमें काम किया है, तो जब बड़े प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं तो कंपाइलेशन थोड़ी स्लो हो जाती है। जैसे मैंने अपने मशीन को शट डाउन नहीं किया और इसे चलते रहने दिया, जो कि जनरली हम लोग करते हैं ना, कि भाई इतनी सारी चीजें खोल रखी हैं जिनमें अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स हैं, क्यों बंद करें। और एमुलेटर को भी कल से खुला छोड़ रखा है मैंने इसे, तो वो एमुलेटर कैश हो गया होगा कुछ चीजें, तो उसके बाद चेंजेस नहीं आ रहे होंगे, दैट्स व्हाई। ठीक है, हाँ जी, यहां तक बात समझ में आई आप सबको। तो हमें दिख गया कि व्हाट इज गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन, और हमें हमने कोड ठीक लिख रखा था बट इट इज नॉट गेटिंग अपडेटेड। तो देखो ये चेंजेस आ गए। नाउ द पॉइंट इज, इफ यू वांट कि इस पर्सन का हमें नाम लिखना है इसके ऊपर, तो फॉर राइटिंग द नेम हियर हम क्या करते हैं, अभी नॉन पोजिशन स्टाइल यूज करते हैं। तो दिस इज अ कंटेनर एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट यूज अ टेक्स्ट, मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिखता हूँ, है ना। और सपोज हमने इसका नाम रख दिया टॉम, ठीक है, और इस पर डाल दिया स्टाइल, और डाल दिया जी टेक्सटाइल, और फिर हम डाल दिया फॉन्ट साइज, और यहाँ डाल दिया 32। ठीक है, सेव कर देते हैं इसे। एंड वंस वी सेव इट, देखा आप लोगों ने टॉम कहाँ लिखा है, इस जगह लिखा रहा है टॉम। ठीक है, सो वी आर एबल टू सी कि यहां हमें दिखना शुरू हो गया है। ठीक है, आई होप यहां तक क्लियर है आप सबको। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि जो हमारे पास यहाँ लिखा आ रहा है दिस थिंग दैट इज द टॉम, यू वांट टू फिट इट, लेट से सेंटर में करना है, बिल्कुल यहाँ बॉटम पे करना है, कहीं अपने हिसाब से हमें करना है। नाउ द थिंग इज पोजिशनल विजेट की तरफ जाना होगा। तो आप सबको मेरी बात समझ आनी चाहिए कि पोजिशनल विजेट यहाँ फिट होती है, इसका मतलब बाय डिफॉल्ट क्या चल रहा है, नॉन पोजिशनल विजेट चल रही है, जो अपने डिफॉल्ट पोजिशनिंग सिस्टम को समझ आए। और डिफॉल्ट पोजिशनिंग सिस्टम क्या है, आप बोलोगे टॉप लेफ्ट है, भूलना नहीं है। डिफॉल्ट पोजिशन सिस्टम क्या है, टॉप लेफ्ट है। एंड इफ यू वांट कि मेरे को अपना पोजिशन सिस्टम चाहिए, सो आई कैन क्रिएट इट। ठीक है, अब अगर मेरे को अपना पोजिशन सिस्टम पे काम करना है, सो व्हाट यू वांट टू डू, वी नीड टू रैप दिस, तो मैं यहां जाकर इस टेक्स्ट को जाकर अपने हिसाब से प्लेस कर दूंगा। ठीक है, अभी करेंगे, प्रथम आउट ऑफ कंटेक्स्ट चल जाएंगे, फॉन्ट फैमिली ऐड करने जाएंगे तो किसी और कंटेक्स्ट मिल जाएंगे, लेकिन बहुत इजी सा जॉब है। जैसे इमेज लगाई थी ना हम लोगों ने pubspec.yaml में जाकर एसेट्स के अंदर, ऐसे हम वहां डाउनलोड करके वहां लगा देंगे, एसेट्स के अंदर फोल्डर में डाल दूंगा फॉन्ट फैमिली कौन सी लगा देंगे। ठीक है, बहुत इजी जॉब है, लेकिन अभी स्टैक से बाहर चल जाएंगे, मैं फॉन्ट फैमिली लगाने के लिए जाऊंगा तो इसके स्टेप्स थोड़े अलग है। तो अभी आते हैं पहले इस पे, इसे करते हैं रैप इसको, और यहाँ इसको रैप करते हैं किससे, पोजिशनल विजिट से। ठीक है, तो मैंने इसे पोजिशनल विजिट से रैप कर दिया। अब पोजिशनल विजिट के पास क्या चीज है, पोजिशनल विजिट के पास ये चीजें हैं। तो मैंने सपोज इसे बोला कि मैं इसे नीचे से लेकर आना चाहता हूँ, मैंने लिखा बॉटम से ले आओ 100 पिक्सल ऊपर, और लेफ्ट से ले आओ 100 पिक्सल इधर। ठीक है, तो मैंने ऐसा इसे स्पेसिफाई किया, तो आपको दिखेगा कि जैसे मैं ये स्पेसिफाइड करता हूं, तो देखा आप लोगों टॉम इधर चला गया, टॉम तो दिख नहीं रहा है क्योंकि वो ब्लैक है, उसकी जैकेट भी ब्लैक है इस बंदे की। तो हम क्या करते हैं, यहां जाकर इसका कलर दे देते हैं, और कलर्स में बोल देते हैं कलर्स इसका वाइट कर दो। ठीक है, तो आपको दिखेगा कि टॉम देखो यहां पहुंच गया लिखा हुआ। अब सबको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप इस तरीके से ना इसे स्पेसिफाइड कर सकते हो कि जैसे हमने यहाँ पर से स्पेसिफाइड कर दिया, और हमने यहाँ पर कुछ पिक्सल स्पेसिफाई कर दिए, इस पिक्सल से बचना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, इसका रेशियो दे सकते हो कि भाई कितने रेशियो पे मेरे को इसे एडजस्ट करना है। तो बॉटम से कितना, तो मैं यहाँ जाकर यूज कर सकता हूँ फिर से मीडिया, तो आई कैन यूज हेयर मीडिया क्वेरी डॉट ऑफ कंटेक्स्ट डॉट साइज, और हेयर आई जस्ट स्पेसिफाई साइज और डिवाइस साइज, यहाँ स्पेसिफाई करते हैं, और डिवाइस साइज पे जाकर वी कैन स्पेसिफाई, यहाँ हम अपने हिसाब से कैलकुलेशन स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भाई मेरे को जो चाहिए बॉटम से कम चाहिए, ध्यान सुनना बॉटम से मुझे बहुत कम चाहिए, तो मैं हाइट की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और उस हाइट का मुझे कितना परसेंट बॉटम पे लेकर आना है। तो मैं बोलता हूँ कि एक काम करो डिवाइड बाई सिक्स कर दो इसे। ठीक है, तो अगर मैं इसे डिवाइड बाई सिक्स करता हूँ तो आपको दिखेगा कि भाई बॉटम से ना कुछ यहाँ दिखना शुरू है। अब लेफ्ट पे आके बोलता हूँ डिवाइस साइज डॉट विड्थ और डिवाइड बाई टू कर दो, तो हाफ पे ले आओ इसे, देखा आप लोगों ने हाफ पे यहाँ आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल सेंटर जैसी लोकेशन दिखानी शुरू कर दी।
हाँ जी यहाँ तक समझ आ रही बात। तो ऐसा कर दिया, मैंने 2.5 कर दिया, देखो बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में आ गया। देखो भाई किसी को दिक्कत है इसके अंदर तो, कि पोजिशनल का काम क्या है, तो आपको समझना होगा अगर हम एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहे हैं तो दिस इज द वे आउट। अब सपोज मैंने एक पोजिशन यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि उस बंदे का नाम दिखा दो, देखना आप जरा, वी वॉन्ट कि उस बंदे का नाम दिखा दो जैसे आपने यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया, इसके आगे उसका कोई लाइक का साइन लगा दो, ठीक है, जैसे कोई हम लाइक का थंब दे देते हैं, ऐसा कुछ आ जाए, या यहाँ उसके लेफ्ट में उसके मैसेज आ जाए, जैसे मैसेज का आया था ना एनएलप टाइप आ जाता है, ऐसा आ जाए, तो हम ये लगाना चाहते हैं। जनरली आप लोगों ने कहाँ देखे होंगे, जब आप ये ट्विटर यूज कर रहे होते हो या फेसबुक यूज कर रहे होते हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे होते हो, वहां ऐसे बने होते जनरली, और उनके ऊपर आइकन्स पड़े होते हैं फोटोज के ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ आप लोगों ने सबसे ऊपर देखे हो कि यहाँ वो शेयर का आइकन बना होता है कि शेयर कर सकते हो आप, फिर यहाँ कुछ और आइकन्स बने होते हैं कि ये इसके ऊपर ये बने होते हैं आइकन्स, तो वो सबके सब असल में क्या यूज कर रहे हैं, पीछे बैकग्राउंड इमेज उसके ऊपर जो आइकन्स रखे जा रहे हैं वो किसके बेस पे रखे जा रहे हैं, इसी के बेसिस पे। अब पॉइंट ये कि मुझे अगर एक ऐसे आइकन्स बनाना है तो आप सब लोगों को क्या दिखना चाहिए, आप सब लोगों को दिखना चाहिए कि ये जो ये वाला एरिया है दिस इज कॉल्ड रो, ये क्या है हमारा रो, तो स्टैक के अंदर तुम डाल दोगे रो को और उसके हिसाब से चीजों को स्पेसिफाई करना शुरू कर दोगे। क्लैरिटी आप सब लोगों को? हाँ जी एहसान का क्वेश्चन है, हम टेक्स्ट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले पिक्सल का कोऑर्डिनेट दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। हम बॉटम से उठा रहे हैं, इसकी एक अच्छी खासियत है, इसने ना टॉप लेफ्ट से सारी कैलकुलेशन नहीं करता, जो हमने लिखा है पैरामीटर लाइन नंबर 22 पे बॉटम, तो ये बॉटम से कैलकुलेशन कर रहा है, तो इनडायरेक्टली अगर आप पूरी कैलकुलेशन देखो तो वो ऐसी है कि क्योंकि कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करो तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई बॉटम से शुरू नहीं होता, कोऑर्डिनेट सिस्टम इससे ही शुरू होता है, यहीं से, ठीक है, लेकिन हमारी कन्वीनियंस के लिए उन्होंने पैरामीटर दिया बॉटम, तो हमने जब डिवाइड बाय 6 कर दिया है तो हम ऐसा समझते हैं कि अगर हाइट है, ये पूरी हाइट है 100% समझ जाए, इट्स अ हाइट 100%, तो अगर तुम उसको डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो 50% हो जाएगी हाइट, इसका मतलब इतने पे पहुंच कर आ सकती है, फिर हम अगर उसे 50% से डिवाइड मतलब डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो वो और थर्ड पार्ट में चल जाएगी, फिर फोर्थ पार्ट में, तो जो भी वो पार्ट्स बने आप समझ जाए, जब डिवाइड बाय 6 किया तो आप इनडायरेक्टली 100/6 मार्क करा रहे हो, ठीक है, तो जो भी आपकी एक्स वैल्यू निकल कर आती है यहाँ पर से वो एक्स वैल्यू बॉटम से कंसीडर की जाएगी, यानी बॉटम से उतना ऊपर उठेगी, समझ में आ रही बात है आसान, तो इसके मतलब अगर सपोज यहाँ वैल्यू आती है 25 तो बॉटम से 25 जा रही है ऊपर, क्लियर है, तो यहाँ हम उसे कैलकुलेट कर रहे हैं उसके एक वैल्यू को और उसे बॉटम को स्पेसिफाइड करके आ रहे हैं। देखो गाइस इसमें कोई डाउट है तो आई होप ऐसा नहीं बात समझ में आई है कि कैसे काम कर रहा है। अब अगर यही सेम प्रिंसिपल हम हर जगह ला सकते हैं कि जैसे हमने बॉटम लगा दिया, राइट पे लगा सकते हैं, टॉप पे लगा सकते हैं, सब जगह प्रिंसिपल लगा सकते हैं, तो इसलिए हम इसका एक रेशियो निकाल सकते हैं, आई एम यूजिंग कि हम यहाँ पर एक रेशियो निकाल कर आ रहे हैं, और हमने इसी के अंदर यहाँ जाकर इस टेक्स्ट पे जाकर जैसे मैंने बोला कि हम इसके साथ बहुत सारे आइकन्स डाल सकते हैं, तो हम इसे रैप कर सकते हैं किसके अंदर, रो नाम के विजेट के अंदर, और फिर हम इस पर चिल्ड्रन डाल कर आ सकते हैं वापस, और फिर हम वापस इसमें ये सब टेक्स्ट वगैरह सब डाल कर आ सकते हैं। तो सपोज देखो मैंने यहाँ पर इसका टेक्स्ट डाला, इसको यहाँ डाला, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि कुछ भी किसी भी लेवल पे नेस्ट किया सकता है, दैट इज होल सोल पॉसिबल, ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ जाते हैं हम, इसके साथ साथ वी वांट एन आइकन, आइकन, और यहाँ डालते हैं हम इसका आइकन्स, ठीक है, और आइकन्स पे सपोज मैंने एक मैसेज आइकन डालना है, ठीक है, और यहाँ सपोज का एक साइज दे देना है, साइज में देते उसका साइज 30, ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या टेंशन है इसे को देखें हम अपन पोजिशनल आर्गुमेंट, अच्छा ये बेकार है, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, तो आइकन्स डॉट मैसेज हमने साइज स्पेसिफाई कर दिया, ऐसे ही करके मैंने यहाँ पर एक और आइकन लिख दिया, और सपोज यहाँ हमने स्पेसिफाई कर दिया एक और आइकन, सपोज यहाँ मैंने डाल दिया लाइक जैसा आइकन, इसके पास है कुछ लाइक जैसा है, उसको कुछ नाम ही कुछ और होगा थम, ठीक है, तो ऐसा मिल गया हमें थम अप लाइक के लिए, ठीक है, ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब एक बार इसे भी क्रॉस चेक करते हैं, तो हमारे पास यहाँ दिख जाना चाहिए उसका नाम बंदे का और उसके आइकन दिख रहे हैं हमें, आइकन ब्लैक में, ध्यान से देखना ब्लैक में दिख रहे हैं आइकन, तो यहाँ जाकर आई विल से कलर्स, कलर्स डॉट वाइट, फिर कलर सपोज कलर्स डॉट येलो कर देते हैं,
ठीक है, तो आपको आइकन दिखेंगे, दिख रहे हैं आइकन्स, तो हमें आइकन्स दिखने शुरू हो गए। अब थोड़े से आइकन हम थोड़े से चाहते हैं कि बड़े हो जाए, मतलब थोड़े से गैपिंग आ जाए इन सबके बीच में। तो आप सबको पता है कि यहाँ हमारे पास फीचर होता है मेन एक्सेस अलाइनमेंट में, क्योंकि मेन एक्सेस इसके हॉरिजेंटल है, तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट में स्पेस अराउंड, तो अगर हम ऐसे डाल देते हैं स्पेस अराउंड इसके बीच में, स्पेस अराउंड, अच्छा ठीक है, इसने नहीं लिया, परफेक्ट है, स्पेस अराउंड क्यों नहीं, उसके पीछे वजह बताता हूँ। देखो रो तो आ गया बढ़िया, लेकिन उसने गैपिंग नहीं ली, क्योंकि पोजीशन विजिट का साइज हमें देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि ये कितनी विड्थ पे चलेगा। तो हम यहाँ बोल देते हैं इसकी जो विड्थ है वो डिवाइस विड्थ के बराबर है, सपोज मैंने अगर ऐसा बोला तो देखो ये ना थोड़े बड़े हो गए, ठीक है, तो ये यहाँ बड़े आ गए और ये थोड़ा सा उधर चला गया, तो इसको हम क्या करते हैं, ये मुझे पता है इसका रीजन, ये क्यों उधर जा रहा है, बिकॉज हमने इसका लेफ्ट दिया था और वो डिवाइड बाई 2.5 दिया था, तो इसको कर देता हूँ मैं जीरो, ठीक है। तो देखो इसके बीच में ना उतनी गैपिंग आ गई, आई होप मेरी बात सबको समझ में आ रही हो, ठीक है, कि हम ऐसे करके यहाँ स्पेसिफाई करके आते हैं, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो याद रखनी है। तो लेफ्ट जीरो किया तो पोजीशन बिल्कुल यहाँ जीरो से शुरू हुई, बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर से शुरू हुई, फिर मैंने इसके बीच में गैपिंग दे दी और इसके बीच में गैपिंग देने की वजह से ये आइकन आने शुरू। देखो भाई कोई डाउट किसी का, कोई बात नहीं समझ में आई हो मेरी तो पूछो, एनी डाउट एनी क्वेरी ऑन दिस, ठीक है जी, सबको डाइजेस्ट हो गया स्टैक, क्योंकि अब देखो सब रिमिक्सिंग होगी, रो कॉलम कंटेनर्स एक्सपेंडेड स्टैग पोजिशनल, छह तरीके के लेआउट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं। जैसे पोजिशनल काम करता है ऐसे एक और विजिट होते हैं अलाइन, आप ऐसे ही यूज कर सकते हो अलाइन विजिट भी, ठीक है, अलाइन के पैरामीटर्स अलग होते हैं लेकिन वो भी अलाइनमेंट करने के लिए। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि स्टैग में पोजिशनिंग करनी है तो किससे कर सकते हो, पोजिशन विजिट से भी कर सकते हो और अलाइन विजिट से भी कर सकते हो, ठीक है, अलाइन के पैरामीटर्स अलग होंगे बस, दैट इज अ पॉइंट। तो अलाइन नाम से एक विजिट है और इसमें अलाइनमेंट नाम से फीचर होता है जिसमें आप अलाइनमेंट और हाइट फैक्टर और विड्थ फैक्टर नाम का फीचर होता है। तो इसका मतलब आपके ऊपर है, अप टू यू कि यू वांट अ पोजिशनल विजिट फॉर डूइंग अ पोजिशन और यू कैन डू विद अलाइनमेंट विजिट। जैसे हमने अभी इस मूवमेंट के लिए पोजिशनल विजिट से काम कर लिया, ठीक है, लेटर ऑन किसी और एप्लीकेशन वी कैन यूज इट द अलाइन विजिट। तो इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि हाउ यू कैन डू द पोजिशनिंग, सो वन यू हैव द पोजिशन विजिट और अनदर इज यू कैन हैव द अलाइन विजिट, द ओनली थिंग इज द पैरामीटर्स गेट चेंज इन अलाइनमेंट, ठीक है। तो आपके पास दोनों ऑप्शंस आते हैं यहां पर। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं कि हमें समझ में आ गया कि स्टैक कैसे काम करता है। अब मैं जो नेक्स्ट लेवल आपको लेके जाना चाहता हूं इसके अंदर, वो ये कि आप लोगों को एक और एग्जांपल ट्राई करना चाहिए, ठीक है। दिस वन मैं आपके सामने खोलता हूं उस एग्जांपल को, दिस वन टेड वाला। तो अगर आप देखो तो अब आप सब मुझे बताओगे जरा टेड में कि हाउ दिस टेड इज वर्किंग, इसमें क्या क्या विजिट्स यूज हो रही है लेआउट्स के लिए, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि कौन कौन मुझे बताएगा, ठीक है। तो मैं पॉइंट आउट करके पूछ रहा हूँ जिससे मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि किसको कितना पता है। तो विश्वेक शर्मा है, ठीक है, विश्वेक शर्मा प्लीज आंसर कि विच विजिट्स वी आर गोइंग टू यूज, प्लीज ओपन योर माइक एंड देन जस्ट गिव एन आंसर। विश्वेक आर यू देयर, सर इमेज टेक्स्ट और आइकन, इमेज नहीं लेआउट्स, लेआउट्स की बात करो यार मैं, कि लेआउट सबसे पहला क्या रखना पसंद करोगे आप, सर पहले आइकन, पहले आइकन, लेकिन आइकन दोस्त लेआउट नहीं है ना, आइकन लेआउट में नहीं आया ना आपका, आप समझ रहे हो मेरी बात, हाँ जी, आइकन तो दिखेगा विजिबल है, लेआउट्स विजिबल थोड़ी है, वो दिखते ही नहीं हमारे पास, तो आपको समझना है कि लेआउट्स आर नॉट विजिबल, पहले इमेज रख ले, फिर टेक्स्ट, फिर आइकन, लेकिन ठीक है, लेकिन लेकिन ये लेआउटिंग हुई ना, समझ पा रहे हो बात, ये लेआउटिंग तो नहीं, आपने इमेज रख लिया ठीक है, आपने टेक्स्ट रख लिया, तो सब विजिबल चीजें है ना,
लेकिन किसी के अंदर तो जाएंगे, हम रो यूज करते थे या कॉलम यूज करते थे या स्टैग यूज करते थे या पोजीशन यूज करते थे, एक्सपेंडेड यूज करते थे, ऑल थिंग्स आर गोइंग इनसाइड समथिंग ना, क्यों किसी ना किसी के अंदर तो जाएंगे, दैट इज माय पॉइंट। हाँ जी मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ठीक है, तो विश्वविक आपको अब ध्यान देना है कि किसी और से पूछो, मैं रवि वर्मा कैन यू आंसर दिस? हेलो रवि, आर यू देयर? रवि को आंसर नहीं कर रहे भाई। आकाश त्यागी, यस सर। हाँ जी आकाश बताइए क्या करना होगा इसके लिए? सर पहले तो कॉलम लेंगे। वेरी गुड, तो ये आपने कैसे जज किया कॉलम लेंगे? आपने कैसे जज किया कॉलम लेंगे? आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। दो अलग अलग कॉलम के अंदर सर बीच में एक गैप आ रहा है। सर दोनों इमेज ऐसे चलता है यहाँ, सर दोनों इमेज के बीच में गैप आ रहा है कॉलम में। सर ऊपर वाले कॉलम में दिख रहा है में हम पहले एक स्टैग में एक इमेज और उसके ऊपर टेक्स्ट और लास्ट में मतलब इधर राइट साइड राइट बॉटम में एक आइकन लेंगे। और तो, सेम ही दूसरे कॉलम में। बिल्कुल, बहुत आसपास हो, बहुत आसपास हो, मतलब जो आपने बताया, वेरी गुड। तो कोई और इसमें ऐड ऑन करना चाहता है आप में से, मतलब जो आकाश ने बात बोली है कि कॉलम्स लिए है सर, कॉलम के बाद कॉलम कॉलम जो लेंगे उसके ऊपर कॉलम के लिए इमेज एक के बाद एक है ना सर? बिल्कुल सी, तो एक आंसर देना सीधा वर्टिकल वर्टिकल इमेजेस है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई वी वांट टू गो फॉर अ कॉलम। ठीक है, कॉलम के बाद स्टैग भी यूज होगा सर इसमें। वेरी गुड, स्टैग दिख गया शोएब को भी कि स्टैग है यहाँ। ठीक है, यही दिस इज आइकन और टेक्स्ट के लिए। बिल्कुल सही, क्योंकि हमें दिख गया कि स्टैग में पीछे एक इमेज बैठी है ना, तो बैकग्राउंड में ये इमेज है लेकिन वो स्टैग में जाएगा। आई होप विश्वे की बात समझनी होगी कि ये सब चीजें कैसे यूज हो रही है, कॉलम है, स्टैग है, फिर इमेज के ऊपर। हम डायरेक्ट इमेज नहीं लिख सकते थे। ठीक है, और ये दिख रहा है हमें कि इसके साथ ही ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये कैसे आया होगा गाइस, कोई ये बता पाएगा मेरे को ये क्या चीज है? कोई आंसर कर पाए सर? ये कैसे बनाओगे आप सर? कोई बताया मुझे कि हाउ दिस थिंग विल बी गेट क्रिएटेड? पोजीशन विजेट। वेरी गुड, रिया ने बहुत बढ़िया बताया, पोजीशनल विजेट, जिसका मतलब ये है कि स्टैक के अंदर हमें पोजीशनल विजेट एज अ चाइल्ड डालना पड़ेगा क्योंकि पोजीशन है। ठीक है, और रिया ये जो पोजीशनल है इसके अंदर ये जो नाम आ रहा है ये कैसे आएंगे ये दो चीजें, और ये सब आइकन्स है और ये सब? कोई और ऐड ऑन करना है? बॉटम बॉटम लेफ्ट लगा के और बॉटम राइट लगा के। हाँ बॉटम, ये तो बिल्कुल ठीक है, पोजीशन से आपने बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट जैसा, यानी कि दो पोजीशन दिख रहे हैं आपको कि एक पोजीशन ये और एक पोजीशन ये। और कोई कोई और सोच पा रहा है? सर रो रो की वजह से। वेरी गुड वेरी गुड, तो रोहित ने बताया रो लगा दो ना सीधा, तो रो लगा दो बिल्कुल सही। और पास जाओ, रो आ गया, तो रो से तो ऐसा दिख जाना चाहिए हमें कि ऐसा हो गया होगा कुछ, रो लगते ही है ना।
तो रो के एक कॉर्नर में ये दिखना चाहिए, एक कॉर्नर में दिखना चाहिए। कोई ऐसी प्रॉपर्टी है जिससे रो के एक कॉर्नर में ये चला जाए, एक कॉर्नर में ये चला जाए? कोई ऐसी प्रॉपर्टी दिखती है सर? लीडिंग एक्शन। कौन सी सर? लीडिंग और एक्शन। सर लीडिंग और एक्शन। लीडिंग और एक्शन तो ऐप बार में दोस्त, मानव रो में, रो में वो तो ऐप बार में। स्पेस बिटवीन सर आइकन। वेरी वेरी गुड, खुशबू ने बताया, शायद खुशबू ने बताया, किसी ने बताया स्पेस बिटवीन वर्ड जो बोला है, ठीक है, स्पेस बिटवीन लग जाना चाहिए बस इन दोनों के बीच में, तो स्पेस आ जाएगा, ये अपना लेफ्ट में घुस जाएगा, राइट में चल जाएगा। और कुछ? और मेन एक्सिस, मेन एक्सिस वगैरह से? हां मेन एक्सिस पे ही तो है ये स्पेस बिटवीन वाला फीचर, तो याद करना स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, स्पेस इवनली था, ऐसे स्पेस बिटवीन यहां फिट होता है बिल्कुल, कि बीच में स्पेस आ जाए। लेकिन रो के अंदर भी कुछ दिखता है किसी को क्या? ये रो के अंदर भी कुछ है? कॉलम डायरेक्ट एक्स है कुछ सर? बिल्कुल कॉलम। वेरी गुड, कॉलम है, समझ पा रहे हो? ऐसे ही सोचना है भाई, समझ रहे हो? तो अब आपको सोच लो, अगर आपको आज की डेट में किसी बंदे को जज करना है कि उसे फ्लैटर आता है नहीं आता, आप उसे स्क्रीन पकड़ा और क्या हो? बता दे भाई किसके अंदर क्या है, क्योंकि सबसे पहला काम तो लेआउटिंग है ना, ठीक है। और ये सिर्फ आएगा एक ही तरीके से ज्यादा एप्स बनाओ, तो मेरे को ये फटाफट इसलिए बदल जाता है, देखते ही मेरे को बदल जाता है, उसका मतलब मैं ऐप को अब ऐसे नहीं देखता, आप लोगों को भी नहीं देखना है। अब आप मोबाइल ऐप डेवलपर बनते जा रहे हो, मोबाइल ऐप डेवलपर कभी भी ऐप को ऐप की तरह नहीं देखता, तो आपको देखने का स्टाइल क्या बनाना है आपसे? कोई सी भी ऐप देखो आज से फोन में, उसमें क्या देखो, ये देखना शुरू करो इसका स्केलेटन, कि अच्छा इसके अंदर गया था कॉलम। ये मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है ताकि आप लोगों को जल्दी समझ आए कि ये बना कॉलम और फिर दिस इज बिकम स्टैग, कि ये स्टैग में गया, और ये जो बनाने की बात करी हम लोगों ने यहां, अगर हम देखें तो दिस इज बिकम अ पोजिशनल विजिट्स, पोजिशनल विजिट्स हमने अलग अलग बना दी। इसी के ऊपर मैं रो कॉलम सारी चीज बनाता हूँ, मैं रो रखकर भी काम करता हूँ, दो पोजिशनल विजिट बना के भी करता हूँ, तो मेरे पास दो ओपिनियंस है। जैसे किसी ने बताया था कि दो पोजिशनल विजिट बनाओ, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, ये वन पोजिशनल विजिट, ये टू पोजिशनल विजिट, या अगर आई डोंट वॉन्ट टू डू दिस थिंग आई कैन डू वन थिंग दैट इज वन पोजिशनल विजिट, सिर्फ एक ही पोजिशनल विजिट के अंदर रो डाल दी जाए और रो के अंदर कॉलम डाल दी जाए और रो के अंदर स्पेस बिटवीन डाल दी जाए। समझ में आ रही बात आप सबको? और यहां कॉलम डाल दी जाए तो कॉलम में ये टेक्स्ट आ गया, यहां कॉलम डाल जाएंगे तो यहां टेक्स्ट आ गया। हाँ जी, समझ में आ गया सबको मेरी बात? क्या दिस इज पॉसिबल बाय योरसेल्फ गाइस, या मैं करवाऊं इसे? बताओ कि क्या आप लोग अब इसे बिल्ड कर पाओगे अपने लेवल पे टेड को? ठीक है जी, एक ऐसा आया, बाकी लोग क्या बताते हैं? बाकी बहुत कम लोग खटखटखट मेरे को बोलते हैं, ताकि मुझे भी तो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ जी भाई मेरा बैच बढ़िया चल रहा है। मतलब मैंने आज क्वेश्चन जानबूझ के ऐसे पॉइंट आउट करके इसलिए पूछा गया बिकॉज आई वांट टू जस्ट टू गेट अ फीलिंग कि भाई ये बंदे अगर ये सब फटाफट कर पाएंगे तो इनका प्लेसमेंट आसान होने वाला है, ये प्लेस हो जाएंगे क्योंकि इन्हें ऐप बनानी आती है। ठीक है, हाँ जी, यहाँ तक सबको समझ आ गया, बढ़िया। तो आप लोग इसे ट्राई करोगे और मेरे को आप सब लोग अपनी गिट का लिंक कब शेयर करने वाले हो? मतलब मुझे गिट के लिंक चाहिए सबके, हर एक बच्चे के जो जो हम बैच में है, ताकि मैं देख सकूं कि भाई हमारे पास क्या क्या चीजें बिल्ड हो चुकी है। ठीक है, तो गिट की रिपोजिटरीज होनी चाहिए आप लोगों की, तो गिट की रिपोजिटरीज पे मुझे कुछ ऐसा चाहिए, मैं आपसे एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशन कैसी है गिट की रिपोजिटरी पे आपकी, जो आपकी गिट हो। आप लोगों ने अगर अपना गिट अकाउंट यूज किया हो तो पुलकित का भी गया गिट अकाउंट ना मेरे पास, वेरी गुड। गिट से गिट रेज्यूमे आज की डेट में समझना, वो एमएस वर्ड वाले रेज्यूमे खत्म हो रहे हैं भाई, कोई नहीं यूज करना चाहता एमएस वर्ड वाले रेज्यूमे। एक बार मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ पुलकित वाले को और यहाँ पहुंचाते हैं हम। ठीक है जी, ये पुलकित का मैंने लिंक पे क्लिक किया था, दिस इज, ठीक है ये आ गया हमारे पास, तो मल्टीपल टाइम्स ओपन हो गया है ये वाला। ठीक है, तो पुलकित के पास फ्लटर प्रैक्टिस है, ठीक है, उसने फ्लटर प्रैक्टिस में चीज बना रखी है, और पुलकित थोड़ा सा काम और करना है दोस्त, मैं कुछ कुछ बता रहा हूँ आप लोगों को जो बहुत जरूरी है। इसकी ना रीडमी फाइल बनती है गिट की पे, तो आप यहाँ जाके उसकी ना पूरी रीडमी फाइल के बारे में डाल सकते हो,
ठीक है, तो रीडमी फाइल से आप ये बता सकते हो कि ये जो मैंने बनाया है एग्जाम्पल उसके अंदर क्या क्या है, क्यों मैंने बनाया, उस पर इंग्लिश लिख सकते हो प्रॉपर। एक दो चीज और करना चाहता हूं मैं, तो जैसे पुलकित ने जो बनाया ना 008, तो पुलकित एक दो काम करने यार, ये सब फोटोज नहीं लगानी, फोटो लगानी आपको प्रॉपर अपनी, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को अपना अकाउंट दिखाता हूँ गिट का, तो मेरा देखो आप लोग, ये मेरा गिट का अकाउंट, अपने प्रोफाइल फोटो लगाई, उसके बाद मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा, ठीक है। और कॉन्ट्रीब्यूशंस बार बार करने की वजह से ये ना मुझे, इन्होंने मुझे आर्कटिक कोड वॉलेट कॉन्ट्रीब्यूटर बना दिया, ठीक है, डेवलपर प्रोग्राम मेंबर बना दिया। तो ये बिकॉज मैं बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, बहुत सारे रिपोजिटरीज मेरे पास बिल्ड हो रही है अलग अलग चीजों की। सो द पॉइंट इज कि आप लोगों को ना अपना ये रिज्यूम, तो अगर मेरे को किसी भी कॉर्पोरेट में कंपनी में ट्रेनिंग देने जाना है, सो दिस इज माय गिट रिज्यूमे, तो ये चाहता है उसके अंदर से दे आइडेंटिफाई कि मैंने कितने वैरायटी ऑफ कोड्स लिखे हुए हैं अलग अलग तरीकों के। तो ये मेरे कुछ कोड्स हैं जो अलग 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 मैंने बैचेस में डिलीवर करे। आप सबको मेरी बात समझ आ रही है? सो द पॉइंट इज कि आप लोग भी क्या करोगे, आप अपना ना प्रोफेशनल पूरा रिज्यूमे बनाओगे इसका। तो हमें क्या करना है, फोटोज सही लगानी है, नाम भी सही करना है पुलकित, ठीक है, और फिर उस पर डिटेल आउट करना है पूरी चीजें। और रिपोजिटरीज के नाम आपके ठीक ठाक लग रहे हैं मेरे को, तो रिपोजिटरीज बिल्कुल ठीक ठाक है, ठीक है, ऐसे रिपोजिटरीज बिल्ड करते जा रही है। तो जितनी ज्यादा रिपोजिटरीज, जैसे मेरे में भी देख रहे हो बहुत सारे रिपोजिटरीज है, क्योंकि मेरे को बैचेस को डिलीवर करना होता है, उतना बेटर। जैसे मेरे पास 157 रिपोजिटरीज है अलग अलग बैचेस के हिसाब से, ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा बैचेस की जगह, आपके पास क्या होगा कि टेड की एक रिपोजिटरी होगी, फ्लिपकार्ट की एक रिपोजिटरी होगी, फिर और जो चीजें कराऊंगा उनकी रिपोजिटरी अलग। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? और ये सब आप लोग शेयर करोगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ, ताकि मैं आगे कंपनीज में से फॉरवर्ड कर सकूँ। तो जैसे मेरे पास रिक्वायरमेंट आएगी वो शेयर हो जाएगी, और वो आपके रिपोजिटरी से आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। तो इसमें जो मेल आई डी होना चाहिए, जैसे मेरे पास मेल आई डी है ना, जो भी मेल आई डी आप यूज कर रहे हो वो आप स्पेसिफाइड करोगे अपना, ठीक है। अगर आपको कोई, जैसे मेरे पास सो कंपनी है, आपके पास कंपनी नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप अपना भी एक वेब पेज बना सकते हो जिसमें आपने अपनी डिटेल डाल रखी, इट्स लाइक अ वेब रिज्यूमे। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रेंड है आज की डेट में ना, वो एमएस वर्ड का प्रिंट आउट निकाल के उसे एक एनवेलप में डाल के लेके जाना, ये सब आउटडेटेड है आज के डेट में, नो वन इज डूइंग दिस थिंग। बताओ जी, सबको मेरी बात समझ में आई है कि व्हाट आई एम सेइंग? सो दिस इज हाउ दीज थिंग्स आर एक्चुअली वर्किंग। तो चलो जी वापस आए हम, तो ऐसा आप लोगों को करना जरूरी है। तो आप शेयर करते जाओगे, तो एनी रिक्वायरमेंट एनी वेयर, सो आई कैन हैंड इट ओवर दिस थिंग। तो उसमें सब कुछ प्रोफाइल फोटो सब कुछ सही लगाना है, अच्छे से बनाना है, बिल्कुल प्रोफेशनल लगना चाहिए। चलो अब आते हैं हम, हमारे पास समझ आ गया कि वी कैन डू दिस थिंग। तो अब आते हैं हम एक और एप्लीकेशन की तरफ, जिसमें हम कुछ लर्निंग लेंगे। तो एप्लीकेशन बहुत बेसिक है, लेकिन लर्निंग बहुत बढ़िया उसके अंदर। फिर हम कुछ एडवांस एप्लीकेशन पर जाएंगे, कुछ एप्लीकेशन में आपको सजेस्ट भी करूंगा बनाने के लिए। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ वेरी बेसिक एप्लीकेशन नेम्ड कॉल्ड ग्रीट ऐप। इसका नाम है रखा ग्रीट, ग्रीट मतलब ग्रीटिंग, मैं ग्रीटिंग करना चाहता हूँ किसी को। उसमें मैं यहाँ पर फर्स्ट नेम पूछना चाहता हूँ यूजर का, और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना चाहता हूँ, ठीक है। फिर एक लास्ट नेम पूछना चाहता हूँ मैं यूजर का, इधर आई नीड अनदर टेक्स्ट बॉक्स, देन आई नीड अ बटन लाइक ग्रीट, एंड देर इज अ बटन कॉल्ड क्लियर विच आई वॉन्ट टू क्रिएट, ठीक है। देन आई नीड, तो उसके बाद व्हाट आई वॉन्ट टू क्रिएट से वेलकम, जैसे इस बटन पर क्लिक होगा वेलकम, और उस बंदे का फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम कॉन्केट होके दिखेगा, और ये दिखना चाहिए मेरे पास किस में, प्रॉपर केस में। प्रॉपर केस का मतलब है कि इनिशियल लेटर, उसका जो इनिशियल लेटर है नेम का, वो कैपिटल हो जाना चाहिए। दिस इज माय रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम बिल्कुल एक बेसिक से एप्लीकेशन आ रहे हैं, तो दिस वुड बी अवर एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें क्या नया सीखने को मिलेगा, इसमें सीखने को मिलेगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, और टेक्स्ट बॉक्स से वैल्यू कैसे रीड की जाती है, इवेंट्स कैसे कैप्चर किए जाते हैं, और इवेंट्स कैप्चर करने के बाद कैसे हम वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बेस में मैं कुछ आइडियाज दूंगा आप लोगों को एप्स को बनाने का। तो हम आगे बढ़ते हैं यहां पर, और यहां बनाते हैं हम अपनी एट्थ। तो यहां जाते हैं, और आपको ये बात समझनी है, बिकॉज जो हम अब एट्थ फाइल बना रहे हैं इसके अंदर, दिस इज एक्चुअली अ स्टेटफुल विजिट। ये क्या हो गया हमारे स्टेटफुल, क्योंकि हम इसमें चेंजेस करने वाले, स्टेटलेस नहीं बनाएंगे, क्योंकि बटन पर क्लिक करना है, चेंज होना, टेक्स्ट बॉक्स पे से वैल्यू निकालनी है। सो इट्स अ स्टेटफुल विजिट। तो मैं यहां जाता हूं,
स्टेटफुल में पहुंच जाते हैं यहां से, ठीक है। और यहां हम इसका नाम देते हैं ग्रीट ऐप, एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट गो हेयर, ठीक है। और यहां पहुंच जाते हैं हम स्कैफोल्ड लिख देते हैं, ऐप बार बना देते हैं, यहां पर ऐप बार पे इसका टाइटल देते हैं, और यहां लिख देते हैं हम इधर ऐसे टेक्स्ट में डाल के इसे, दिस इज अ ग्रीट ऐप, ठीक है। एंड देन वी स्पेसिफाई द बॉडी, और बॉडी में जाके अगर आप ध्यान से देखो, मुझे लेआउट्स बताना भाई कि कौन सा लेआउट आप फिट करोगे इस केस में, कौन से लेआउट की तरफ आप जाना पसंद करोगे अगर हम इसे ऐसे बिल्ड करते हैं तो। देख कौन बताएगा मेरे को इस बात इस बारे में कि विच लेआउट यू आर गोइंग टू यूज हियर, सर एनी सजेशन? बहुत सिंपल से खत्म हो जाना चाहिए, विच लेआउट वी आर गोइंग टू यूज? कंटेनर कॉलम, बिल्कुल सही, ठीक है। तो हम इस पे खेल सकते हैं। तो अब इसको बिल्ड करते वक्त हमें थोड़े से ध्यान देना होगा चीजों के ऊपर कि हाउ इट इज गोइंग टू बिल्ड। तो मैं कंटेनर बना रहा हूं, कंटेनर में इसलिए बना रहा हूं ताकि मैं ना इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकूं इसके डायमेंशंस को कि कहां मेरे को क्या लिखना है। फिर अगर हम देखें तो कॉलम जैसा कुछ दिख रहा है यहां पर, तो हम यहां जाते हैं कंटेनर बिल्ड करते हैं। कंटेनर के अंदर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चाइल्ड एंड देन देयर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉलम। तो यूजली जब कोई मोबाइल ऐप बनती है तो मोबाइल ऐप में लोग क्या करते हैं, दिस फर्स्ट नेम, जैसे फर्स्ट नेम और ये टेक्स्ट बॉक्स दिख रहा है, तो यूजली इट इज लाइक दिस टेक्स्ट बॉक्स, एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स होता है, उसी के अंदर लिखा होता है राइट योर फर्स्ट नेम एज अ प्लेस होल्डर। हम भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। लोग ये पसंद नहीं करते कि उसके आगे एक लेबल आ रहा हो, क्योंकि इतनी जगह होती नहीं मोबाइल में। तो हम क्या करेंगे, हम यहां जाकर वी आर गोइंग टू क्रिएट अ कॉलम, देन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ चिल्ड्रन, एंड इनसाइड दिस चिल्ड्रन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट फील्ड, दैट्स इट। तो हमने एक टेक्स्ट फील्ड बना दिया। हम इतने को टेस्ट करते चलते हैं साथ साथ ताकि हमें दिखता रहे कैसा बन रहा है। एंड फ्रॉम हेयर मेन डॉट डार्ट पे आते हैं, फ्रॉम द मेन डॉट डार्ट आई एम गोइंग टू यूज दिस ग्रीट ऐप, ऐसा कर देते हैं। सो वी हैव दिस ग्रीट ऐप एंड फ्रॉम हेयर वी आर गोइंग टू रन। ठीक है, तो देखो ऐसा आ गया कुछ, और ये टेक्स्ट बॉक्स भी आ गया आपका, अगर आप देखोगे तो यहाँ मैं लिख पा रहा हूँ। तो बहुत बेसिक सा टेक्स्ट बॉक्स हमें दिखता है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें दिख गया कि इसने एक टेक्स्ट बॉक्स बिल्ड कर दिया है, यानी कि टेक्स्ट फील्ड से हमारे पर टेक्स्ट बॉक्स बनता है। तो हम क्या करते हैं, यहां जाकर एक मेथड बनाते हैं क्रिएट टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, ये एक मैंने बना दिया। और यहां जाकर आई एम गोइंग टू राइट टेक्स्ट फील्ड हेयर, तो मैं यहां लिख लेता हूं रिटर्न टेक्स्ट, ठीक है। और हम यहां से इसे बुला लेते हैं क्रिएट टेक्स्ट फील्ड, तो टेक्स्ट फील्ड हमारे पास बन जाएगी, ये बन गई है, ठीक है। ऐसी दोबारा ही बनानी होगी हमें टेक्स्ट फील्ड, सो विल डू इसी को कॉपी कर लिया जाए और इधर पेस्ट कर दिया जाए, तो दो टेक्स्ट फील्ड आ जाएंगे। देखो तो एक के नीचे एक आ गई, ठीक है, सबको समझ में आ रही बात, लेकिन इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर जाएंगे और इस टेक्स्ट फील्ड के अंदर और भी चीज लिखेंगे, लेकिन इससे पहले हमें एक लेबलिंग भी देनी थी। तो हम यहाँ इस पर टेक्स्ट लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं ग्रीट ऐप, ऐसा ले देते हैं ताकि इसके ऊपर एक लेबलिंग आ जाए। तो ये ऊपर छोटी सी लेबलिंग आ रही है ग्रीट ऐप में, और ग्रीट ऐप पे जाकर हम इसका स्टाइल देते हैं, इस पे हम इसका टेक्स्ट स्टाइल लिखते हैं, इस पे इसका फॉन्ट साइज लिखते हैं 32 स्पेसिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ आ गया ग्रीट ऐप लिखा हुआ, ठीक है, इसका लेबल आ गया, लेकिन बहुत ऊपर आ रहा है, चिपक के आ रहा है इसके साथ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लेकर आना चाहते हैं इस लेबलिंग को। तो यहां से ये जो हमारे पास आया है, इसकी जो लेबलिंग अपने पास आ रही है, इसको नीचे लेकर आने के लिए व्हाट आई विल डू, आई जस्ट रैप दिस थिंग, और पैडिंग में देयर इज अ थिंग कॉल्ड पैडिंग, तो मैं स्पेसिंग दे सकता हूँ पैडिंग के थ्रू, और ऑल हर डायमेंशन से सपोज 20 पिक्सल का, तो देखो नीचे आ गया, ठीक है। तो हमारे पास ग्रीट ऐप लिखा गया, टेक्स्ट बॉक्स अभी भी बहुत अच्छा नहीं है, हमें इसको टेक्स्ट बॉक्स को अच्छा बनाना पड़ेगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, इसमें से ऐप बार कुछ खास अच्छा लग नहीं रहा, क्योंकि ग्रीट ऐप दो बार रिपीट हो रहा था, इसको ऐप बार को हम कमेंट कर देते हैं, सो इट्स लुक लाइक दिस ग्रीट ऐप यहाँ आ रहा है, ठीक है। और इस ग्रीट ऐप को भी थोड़ा सा नीचे लेकर जाया
इसको नीचे लेके जाने के लिए मैं इसके ऊपर एक सपोज और इसको मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल ऑल साइड से, देखो यहाँ से नीचे होगा, यहाँ से भी थोड़ा सा कट गया, ठीक है, यही हमें चाहिए था, इसको थोड़ा सा बन गया ग्रीट ऐप, और इसको आई वांट कि जो ग्रीट ऐप लिखा है अपर केस में आ जाए, तो टू अपर केस कर दिए, तो अपर केस में आना शुरू हो गया, ठीक है। कोई डाउट है पूछना गाइस में से, क्योंकि अब ये सब बेस है, आप सब जानते हो बहुत अच्छे से, तो कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है जो मैं कर रहा हूँ। और फिर हम यहाँ एक बार यहाँ पहुंच जाते हैं, और यहाँ हम देते हैं इसका बैकग्राउंड कलर, और कलर्स में चले जाते हैं, और सपोज हमने यहाँ से टील कलर चूज कर लिया, टील एसेंट दे दिया सपोज मैंने इसको, ये ऐसा आ गया कुछ, ठीक है। तो हमें देखना शुरू हो गया कि हाँ जी हमारे पास ग्रीट ऐप लिखा गया, और साथ साथ एक काम और करते हैं, इसको थोड़ा सा स्टाइल और सुधार देते हैं, इसका फॉन्ट वेट लगा देते हैं, और उसे करते हैं बोल्ड, ठीक है। तो फॉन्ट वेट बोल्ड कर दिया मैंने इसका, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम फॉन्ट ही बदल सकते हैं, किसी ने पूछा था कि फॉन्ट कैसे बदलते हैं, इसी में ऐप पे हम फॉन्ट ही बदल देंगे, एक फॉन्ट लगा देंगे बढ़िया से इसके ऊपर, ठीक है। इसी के ऊपर यहाँ जो हमने कॉलम बना दिया, इसमें हमने ये सब पैडिंग वगैरह सब कुछ कर दिया, इसके ऊपर हम कोई एक आइकन भी रख सकते हैं दिखाने के लिए, ताकि ये थोड़ी सी और अच्छी दिख जाए ऐप। तो सपोज अगर मैं इसमें कोई स्टार लगाया तो एज आइकन, ठीक है, और इसे कॉमा कर देता हूँ, और यहाँ जाकर इस पर उसका साइज देता हूँ, लेट्स से 50, और उस पर कलर दे देता हूँ उसका, और कलर्स में सपोज रेड एसेंट दे देता हूँ, सो इट्स लुक लाइक दिस। तो हमने एक आइकन भी दे दिया, जैसे कोई कंपनी का आइकन होता है, ऐसा मैंने थॉट प्रोसेस डाल दिया। तो हमारे पास एक ग्रीट ऐप लिखा गया, ये हमारे पास दो टेक्स्ट बॉक्सेस आ रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया नहीं है, अब इन टेक्स्ट बॉक्सेस पर काम किया जाए, ठीक है। कोई डाउट अगर पूछ लेना मेरे से। तो हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्सेस आ गए, इस टेक्स्ट बॉक्सेस पे जाकर आई एम गोइंग टू स्पेसिफाई हियर स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। तो मैं चाहता हूँ कि इस पर मैं थोड़ा बड़ा लिख पाऊँ, तो फॉन्ट साइज 30। तो आपको दिखेगा कि अब मैं इस ग्रीट ऐप पे यहाँ जाके थोड़ा जो लिखा आएगा वो बड़ा लिखा आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसका भी टेक्स्ट स्टाइल दे दिया। अच्छा, इसके साथ साथ वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई कि भाई हमारे पास इसी में अगर हम प्रॉपर्टी देखें, जैसे कीबोर्ड टाइप, अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ टेक्स्ट लिखे या न्यूमेरिक लिखे, तो मैं कीबोर्ड टाइप चूज कर सकता हूँ। तो मैं एक एग्जांपल दिखा देता हूँ, कीबोर्ड इसमें हमारे पास ऑप्शन आना चाहिए कीबोर्ड एक मिनट, कीबोर्ड टाइप का जो टाइप है टेक्स्ट इनपुट टाइप है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखते हैं टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट, और ध्यान देना, जैसे सपोज मैंने इसको पिक करके बोल दिया सिर्फ फोन, तो ये क्या होगा, ये ना टेक्स्ट बॉक्स फोन नंबर जैसा आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं इस पे पहले से एक बार हटाए थे इन चेंजेस को, इसको भी एक बार हटाए थे, अब मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो अब न्यूमेरिक आएगा, न्यूमेरिक पैड आ गया ना, बिल्कुल फोन नंबर वाला। तो ये आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि भाई मैं क्या यहाँ पर इनपुट कराना चाहता हूँ। जैसे मैं नेम इनपुट कराना चाहता हूँ, तो नेम जैसी चीज आएंगे, एक बार इसे हटाते हैं, अब मैं फिर से खोलता हूँ तो देखो नेम जैसी चीज आएगी, ठीक है। तो ईमेल आएगा तो ईमेल वाला एट द रेट आ जाएगा। तो ये डिपेंड है, ये ध्यान रखना है हमेशा, जब भी टेक्स्ट बॉक्स बनाओ तो आप उस पर कीबोर्ड अटैच कर सकते हो, कैसा कीबोर्ड मेरे को उस पर लगाना है, ठीक है, बेस्ड ऑन कि उस पर इनपुट क्या है। इसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है डेकोरेशन का, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है इनपुट डेकोरेशन का, जिससे हम इस पर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो डेकोरेशन में बहुत सारे फीचर है, जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया प्रीफिक्स आइकन, तो मैं यहाँ पर आइकन लिख सकता हूँ, आइकन्स डॉट, और सपोज यहाँ पर्सन का एक आइकन डाल दिया मैंने, ठीक है। तो पर्सन का एक आइकन आएगा, देखो ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, दिखा आप लोगों को, ये पर्सन आइकन दिखना शुरू हो गया, दोनों पे आ रहा है आइकन, ठीक है। तो एक एक्टिव डीएक्टिव ऐसा आ रहा है, एंड फ्रॉम हेयर यू कैन स्पेसिफाई कि भाई किस कलर में दिखना चाहिए, सो यू कैन स्पेसिफाई सम कलर्स हेयर। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ ब्लैक कलर दे दिया, तो ये देखो ऐसा दिखना शुरू हो गया ब्लैक में, ठीक है। तो ये भी हमें दिखने लग गया कि हम अपने प्रीफिक्स आइकन्स यहाँ पर स्पेसिफाई करके आ सकते हैं, ठीक है। उन प्रीफिक्स आइकन्स का आप सबको पता है साइज भी ऑप्शन है, 30 साइज का, तो थोड़े बड़े आइकन्स आएंगे, ठीक है।
ये भी हमें समझ में आएगा कि वी कैन प्रोवाइड दीज आइकन्स एज वेल एज एरर नहीं देगा अमन. एरर देने के लिए हमें ना एरर हैंडलिंग सीखनी पड़ेगी इसके साथ, तो हम वैलिडेशंस लिखेंगे इसके ऊपर तब हम एरर हैंडलिंग कर पाएंगे. उसका तरीका देखेंगे कैसे हम कर सकते हैं. ठीक है, ये एरर नहीं देगा. ठीक है, तो सिर्फ कीबोर्ड दे रहा है बस, इससे ऊपर नहीं दे रहा कुछ हमें. ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आएगी बात. अब इसके पास फीचर है एक लेबल का, तो हम लेबल का टेक्स्ट देकर आ सकते हैं. लेबल का टेक्स्ट है टाइप नेम हेयर. ठीक है, तो देखो ये लिखा गया टाइप नेम हेयर, टाइप नेम हेयर. ठीक है, ये लेबलिंग आ जाएगी इस पर. आई होप ये सबको मेरी बात समझ में आ रही है. तो हमने यहाँ पर टाइप नेम हेयर से देख लिया कि लेबलिंग कैसे की जा सकती है. अब यहाँ पर एक और फीचर आता है हेल्पर टेक्स्ट का, नेम हेयर. अगर मैं यहाँ लिखता हूँ हेल्पर टेक्स्ट, तो देखो ये जो अमन ने पूछा था ना, ये यूज होता है वैलिडेशन के लिए. अमन तो जैसे जब भी कोई एरर आएगा तो हम हेल्पर टेक्स्ट यूज करेंगे, हेल्पर टेक्स्ट में एरर दिखा दिया करेंगे. तो यहाँ आप देख रहे हो तो हेल्पर टेक्स्ट है. तो हम आगे चल के देखेंगे जब हम वैलिडेशन लगाएंगे इसके ऊपर. बस इसे डायनेमिक करना सीखना होगा कि डायनेमिक कैसे होगा. आई होप यहाँ तक मेरी बात समझ में आएगी. लेबल टेक्स्ट हमें समझ में आएगी, लेबल टेक्स्ट कैसे काम कर रहा है. ऐसे एक एरर टेक्स्ट होता है, आप वो रेड कलर में दिखेगा, तो आप एरर टेक्स्ट भी लगा करा सकते हो. तो ये प्रॉपर्टीज है. आप लेबल की स्टाइलिंग भी कर सकते हो. साथ में एक बॉर्डर का फीचर है, तो हम यहाँ बॉर्डर लगा सकते हैं. तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट बॉर्डर का ऑप्शन होता है, हम यहाँ पर इनपुट बॉर्डर देकर आ सकते हैं. और इसमें बॉर्डर साइड का ऑप्शन है. एक बार बॉर्डर साइड हम देख लेते हैं कि बॉर्डर साइड में क्या क्या है. तो बॉर्डर साइड है यहाँ पर, तो मैं यहाँ लिख कर रहता हूँ बॉर्डर साइड. और बॉर्डर साइड हम लिखते हैं, और एक बार मैं इसको ऐसा करता हूँ, और यहाँ मैं स्पेसिफाई करता हूँ बॉर्डर साइड की विड्थ, और 2.0 पिक्सल की विड्थ देता हूँ मैं इसकी. लेकिन ये यहाँ क्या प्रॉब्लम बोल रहा है, तो इसको कर देता हूँ यार मैं आउटलाइन, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी इसलिए वो एरर दे रहा है मेरे को. अगर आप देखोगे ना तो यहाँ बोल रहा है कि इसका ऑब्जेक्ट ही मस्त है, एब्स्ट्रैक्ट है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ये उसकी चाइल्ड क्लास है. ठीक है, जिसने उसे इम्प्लीमेंट किया. तो हमारे पास एक बॉर्डर आ जाएगा, दिख नहीं रहा, लेकिन देखोगे तो बॉर्डर दिख नहीं रहा. तो बॉर्डर ना दिखने की वजह क्या है कि टेक्स्ट फील्ड को हम रैप कर दें अगर किसी कंटेनर के अंदर, क्योंकि वो कॉर्नर से शुरू हो रही है. तो अगर मैं इसे कंटेनर के अंदर रैप कर दूं पहली बात, और दूसरी बात मैं इसमें पैडिंग दे दूं ताकि वो अंदर ही स्पेस ले जाए, ताकि बॉर्डर दिखने शुरू हो जाए. और यहाँ एज इनसेट्स डॉट ऑल करके हर जगह से 10 पिक्सल की पैडिंग दे दूं, तो देखो आपको ना बॉर्डर दिखने शुरू हो गया. आई होप मेरी बात सबको समझ आई है कि देखो ग्रिड ऐप बन रही है और उसमें हमारे पास ये बॉर्डरिंग ऑप्शन भी आना शुरू हो गया. ठीक है, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर. ये भी हमें चेंज करना पड़ेगा. तो टाइप नेम हेयर दोनों में आ रहा है, तो वी वांट कि दोनों में अपने हिसाब से कस्टमाइज आए. तो आप यहाँ लिखो स्ट्रिंग और यहाँ दे दो लेबल. ठीक है, तो आप लेबल चाहते हो जो मैं स्पेसिफाई करूं, तो यहाँ आप नीचे जाकर इस जगह कोड में, तो वैसे नीचे जाए यहाँ, अगर हम यहाँ जाए तो यहाँ जाके वी कैन स्पेसिफाई कि दिस वुड बी टाइप फर्स्ट नेम का एक ऑप्शन आ जाए और लास्ट नेम का एक ऑप्शन आ जाए. तो अभी देखो कस्टमाइज हो जाएगा. तो अगर हम इसे चेंजेस तो मैंने कर दिए हैं इसके अंदर, और आई थिंक मैंने हार्ड कोडिंग रह गई मेरी, हाँ ये दैट्स व्हाई उसने चेंजेस नहीं दिखाए. तो आप क्या करो, यहां से टाइप नेम हेयर तक तो ठीक है टाइप, और यहां आप क्या करते हो डॉलर और लेबल, तो ये बन गया डायनेमिक. तो आप समझो एक ही टेक्स्ट बॉक्स आपने यूज कर लिया दोनों तरफ. ठीक है, तो ध्यान देना टाइप फर्स्ट नेम, और यहां जाएंगे तो टाइप लास्ट नेम. तो टाइप फर्स्ट नेम, टाइप लास्ट नेम, ये हमें दिखना शुरू हो गया. आई होप ये भी सबको मेरी बात क्लियर हो रही हो कि ये कैसे काम कर रहा है. अब एक काम और कर लो कि जहां तुमने बॉर्डर दिया था, बॉर्डर हमने दिया था, और बॉर्डर ये दिया था हम लोगों ने बॉर्डर, तो यहाँ बॉर्डर साइड में बॉर्डर कलर भी आता है. तो कलर्स डॉट, सपोज मैंने यहाँ चूज कर लिया रेड, तो ये जो बॉर्डर आ जाने चाहिए, चेंजेस नहीं लिए लेकिन इसने, बॉर्डर की साइड तो आ रही है लेकिन इसने बॉर्डर का कलर चेंज नहीं किया है. जस्ट अ मिनट, तो बॉर्डर साइड तक तो ठीक है, रेड मैंने इसे दे दिया है, लेकिन आई थिंक ये प्रॉपर्टी एक्सेप्ट नहीं हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है. एक बार मैं चेक करता हूँ फिर से. नहीं कर रहा है एक्सेप्टेड प्रॉपर्टी, तो यहाँ से अलाउ नहीं करेगा इसका.
तो उसकी कोई दूसरी प्रॉपर्टी हम उठाएंगे। आउटलाइन बॉर्डर तक हमने कर दिया, आउटलाइन बॉर्डर में हम जाके देखते हैं बॉर्डर रेडियस का एक फीचर, ठीक है। और इधर बॉर्डर रेडियस पे, क्योंकि इसमें बॉर्डर रेडियस का मतलब है कि अगर आपको कोई राउंडेड एजेस चाहिए तो यहाँ पर बॉर्डर रेडियस का ही आर्गुमेंट मिलता है। और अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर बॉर्डर, और सर्कुलर में 10 पिक्सल इसे सर्कुलर कर देता हूँ, तो देखो ये ना सर्कुलर मोड में भी आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा और कर देते हैं 20, तो देखो ये और सर्कुलर हो गए, ठीक है। तो आप ये सब कुछ स्टाइलिंग है, कितनी हम इसमें स्टाइलिंग देना चाहते हैं। बात रही कलर की, तो हम थीम से दे पाएंगे कलर इसका, कि हम थीम से इसको कलर दे पाएंगे, ठीक है। टाइप फर्स्ट नेम, टाइप लास्ट नेम, ऐसे आते। तो थीम से कलर देने का मतलब भी समझाया था आप लोगों को, थीम से कलर देने का मतलब है, याद करना, शुरुआत में पढ़ा था हमने मेन डॉट डॉट में, यहाँ पर थीम्स थीम बहुत सारी, और अगर हम यहाँ जाएं तो प्रॉपर्टीज है बहुत सारी। तो अगर हम यहाँ जाएंगे तो ऐसा कुछ होगा टेक्स्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट थीम्स दिख रही है हम लोगों को, और यहाँ प्राइमरी टेक्स्ट थीम्स दिख रही है, तो हम यहाँ टेक्स्ट थीम्स बदल कर आ सकते हैं। तो अगर हम इसके प्राइमरी टेक्स्ट फील्ड देखेंगे तो टेक्स्ट थीम नाम से पैरामीटर है यहाँ पर, और अगर हम टेक्स्ट थीम पे जाएंगे तो वी हैव अ थिंग कॉल्ड टेक्स्ट थीम। ये बहुत सारी चीजें अगर आप देखोगे ना, तो टेक्स्ट थीम और टेक्स्ट थीम के पास बहुत सारी चीजें यहाँ पर, तो टाइटल कैसे दिखाना है, तो ये हमारे पर्पज सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन ये क्योंकि तो टेक्स्ट की बात कर रहा है, तो हमें देखना होगा कि हमें बॉर्डर जो आ रहे हैं हमारे पास वो कैसे दिखने वाले हैं। तो बॉर्डर के लिए भी कुछ अंदर कोई थीम होगी इसके पास, जिसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो असल में जो बॉर्डर्स आ रहे हैं, अगर हमें उसको बॉर्डर को अपने हिसाब से कन्वर्ट करना है, तो आई एम जस्ट चेकिंग आउट कि बॉर्डर के लिए कुछ फीचर दे रहा है या नहीं दे रहा है, वरना हमें गूगल करना पड़ेगा इस फीचर को कि बॉर्डर के लिए कौन सा फीचर है, ठीक है। बट इट इज राइट नाउ नॉट मैंडेटरी, जैसे मैं अभी स्किप करता हूँ, अभी तो काम चल रहा है ना हमारा। तो हमारे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों चीज आ चुकी है, एंड फ्रॉम हेयर कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम आया है, और वी वॉन्ट टू बटन, अब दो बटन बनाने, अब दो बटन बनाने, तो सीधा आंसर ये है, पहले इसको खत्म करते फिर इस पर और हाईलाइटिंग कर लेंगे। सो फ्रॉम हेयर यहाँ तक तो सब बढ़िया, कॉलम तक हमारे पास क्रिएट हो गए। अब इसके बाद ध्यान देना, ये जो कॉलम है यहाँ दो टेक्स्ट बॉक्सेस के बाद, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ रो, क्योंकि दो बटन बना रहे हैं मेरे को, एंड देन आई क्रिएट अ चिल्ड्रन, एंड फ्रॉम दिस चिल्ड्रन आई वॉन्ट कि दो बटन बन जाए, और बटन बनाने दो हैं, दो बार बनाने, तो दो बार कोड क्यों लिखूं, क्यों ना मैं यहाँ जाकर भी सेम स्टाइल, ध्यान देना, सेम स्टाइल यूज करूँ, जैसे क्रिएट टेक्स्ट फील्ड बनाया है ऐसे ही क्रिएट बटन कर दूं, ठीक है। तो यहां पर से मेरे पास क्रिएट हो जाए इसका बटन भी, तो मैं बटन क्रिएट कर पाऊंगा। हाँ जी, यहां तक बात क्लियर है, तो एक बार यहां आते हैं, और फ्रॉम हेयर एक मिनट थोड़ा अटक गया कहीं पे, फ्रॉम हेयर आई जस्ट यूज क्रिएट, ध्यान देना, क्रिएट बटन, तो मैं यहां पर एक बटन क्रिएट कर दूं, उसका एक लेबल दे दूं बटन का भी, क्योंकि उसके ऊपर भी लिखा आएगा ना कि बटन किस चीज का है, और यहां जाके लिखो रिटर्न बटन। माने के बहुत सारे तरीके गाइस, रेज बटन यूज कर सकते हो, मटेरियल बटन यूज कर सकते हो, तो आप देखोगे तो बहुत सारे बटन है, आइकन बटन यूज कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन आवर नीड कि हम कैसा बटन बनाना चाहते हो। तो अगर आइकन फॉर्म में बटन बनाए तो आइकन, फ्लैट बटन बनाए तो फ्लैट बटन, रेज इनग्रेव बटन बनाए तो इनग्रेव बटन, यानी कि थोड़े से ऊपर जो उठे होते, तो अभी मैं रेज बटन यूज कर रहा हूँ, तो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से। रेज बटन पे ऑन प्रेस नाम का इवेंट होता है कि अगर तुम इसे प्रेस करोगे तो क्या करेगा, ठीक है। तो हमने ऑन प्रेस बना दिया, फिर यहाँ चाइल्ड होता है, चाइल्ड पे जाके वी विल स्पेसिफाई सम टेक्स्ट, और टेक्स्ट पे जाकर मेरे को यहाँ दे देना चाहिए लेबल, जो मैं इस पे लेबल देना चाहता हूँ, और उस पे स्टाइल, उस पे टेक्स्ट स्टाइल, उस पे फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज पे लेट से 20 ये मैंने स्पेसिफाई किया, और यहाँ जाते हैं एक बार, एंटर मार देता हूँ मैं इस पे, और आई एम हियर, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया जी, टेक्स्ट स्टाइल तक हमने बना दिया, बटन अपने पास तैयार है, उस पर जो लेबल हम देंगे वो दिखेगा यहाँ पर। तो क्रिएट बटन को दो बार बुला लो, किसके अंदर, रो के अंदर, तो यहाँ चल जाओ रो पे गए, और यहाँ जाकर क्रिएट बटन, क्रिएट बटन ऐसा कर दो बार, और यहाँ क्या लिखोगे पहले बटन पे, ग्रीट, ये ग्रीट का बटन है, और दूसरे पे क्या लिखोगे, क्लियर, ये क्लियर का बटन है। और अब एक बार अपनी ऐप में जाके देख लो कि तुम्हारे पास दो बटन दिख रहे हैं, दिख रहे दो बटन अब, लेकिन दिखने चाहिए सेंटर में, गैपिंग आनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो तुम्हें पता है सेंटर में लाने के लिए सिर्फ क्या करना है, मेन एक्सेस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, बस इतना करते हैं सेंटर में दिखना शुरू है, ठीक है। इनके बीच में गैप देने के लिए क्या कर सकते हो, तुम यहां जाकर लिख सकते हो, इसके अंदर गैप देने के लिए यहां स्पेसिफिक कर सकते हो, एक तो पॉइंट साइज बॉक्स, उसकी एक विड्थ, और उस पर 20 पिक्सल का गैप, ठीक है। तो देखो इनके बीच में गैप्स आ गए, हाँ जी मेरी बात समझ में आ रही है आप सबको। अब ये बटन थोड़े से और बढ़िया दिखें, थोड़े और बढ़िया हों ये बटन्स,
तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं अपने कस्टमाइज बटन बनाता हूँ, ऐसा नहीं है कि इन्हीं बटन पे मैं रिलाई करूँ, मैं अपने भी बना सकता हूँ, लेटर ऑन देखते जाएंगे। हाँ वो भी कर सकते हो, मेन एक्सेस में स्पेस इवनली भी कर सकते हो, वो भी पॉसिबल है। ठीक है, मेरे को बहुत ज्यादा बड़ा गैप नहीं चाहिए था इसलिए मैंने साइज बॉक्स दे दिया। ठीक है, अब यहाँ चल जाते हैं हम कलर पे, कलर सॉरी यहाँ पर ही, इस वाले कलर पे नहीं, तो थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। और दूसरा एक और ऑप्शन था मेरे पास ऐसा कि अगर मैं स्पेस ऐसे नहीं देना चाहता जैसे मैंने यहाँ पर साइज बॉक्स दिया, एक बार वापस जाता हूँ, अगर मान लो मैं, क्योंकि हमारे पास गैपिंग बहुत कम थी इसलिए मैंने स्पेस इवनली की तरफ नहीं गया, तो अगर मैं इधर गैपिंग नहीं देना चाहता तो मैं इसे इस तरीके से भी लगा सकता हूँ कि मैं यहाँ जाकर इसे रैप कर दूं कंटेनर के अंदर, और कंटेनर पे जाकर मार्जिन दे दूं, और मार्जिन में जाकर बोल दूं कि एज इंसर्ट्स डॉट ऑल और सब जगह से 20 पिक्सल का मार्जिन। तो आप यहाँ जाके देखोगे तब भी यही काम करेगा। ठीक है, और ग्रीट और क्लियर जो लिखा रहा है बहुत चिपका चिपका लिखा रहा है, तो वाई नॉट वी पुट इट सम पैडिंग देयर, तो हम यहाँ जाके पैडिंग दे दें। तो ये जनरल कन्वेंशन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, एज इंसर्ट्स डॉट ऑल 20 पिक्सल की पैडिंग। तो आपको दिखेंगे बटन्स जो होंगे हमारे पास उन पे पैडिंग आ जाएगी। ये वाली पैडिंग ले ली है इसने, यहाँ तो कोई फायदा नहीं पैडिंग देने का, इसको यहाँ डाल देते हैं इस पैडिंग को, तो यहाँ डाल देता हूँ मैं इस फीचर को। तो अंदर से बटन के अंदर जाके एक टेक्स्ट ले जाए और एक कॉमा एडिशन लगा हुआ है, तो देखो ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, बटन थोड़े से बड़े हो गए हमारे पास। ठीक है, और यहाँ बटन पे जाकर कलर्स भी दे दिए मैंने, तो कलर्स डॉट, तो हम सपोज कलर्स भी डायनेमिक चाहते हैं तो यहाँ लिख देते हैं कलर, तो कलर कलर हमने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ से हमने वो कलर पास कर दिया कि डायनेमिक कलर आ जाए कि हम कैसा कलर दिखाना चाहते हैं। और कलर दिखाने के लिए ध्यान देना नीचे जाते हैं, यहाँ जाकर आप कलर लिखोगे कलर्स डॉट, और सपोज हमने यहाँ यूज कर लिया ये कलर, और यूज कर लिया हम लोगों ने कलर्स डॉट रेड एसेंट। ठीक है, ये दो कलर आ गए, तो ऐसे दिखने शुरू हो गए ग्रीट और क्लियर। ठीक है, ये दो बटन हमें दिखने शुरू हो गए। अब हम आते हैं जी असली बात पे, सब तो था डिजाइन, इसमें तो कुछ खास था नहीं, आप सब इसको सीख चुके हो बहुत अच्छे से, और भी बहुत अच्छा ब्यूटीफाई कर सकते हो सब जानते हो, क्योंकि हमने जब फ्लिपकार्ट जैसा बना लिया या टेड जैसा बना लिया तो बहुत अच्छा करते हैं, इमेज में लगाकर पीछे टैग लगाकर बैकग्राउंड सेट करके बहुत कुछ है। मेन मोटो है कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे पढ़ी जाए, कि पहले टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे पढ़े, दूसरे टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू कैसे पढ़े, और फिर ग्रीट पे करके उसे वेलकम कैसे कर दे, इस पे आना है। तो टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू को पढ़ने के बहुत सारे तरीके, इसमें से एक तरीके पर आज हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने एक फीचर बनाया, ध्यान देना, टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। इसका मतलब क्या है, जब भी वर्ड आएगा ना कंट्रोलर, इसका मतलब ये होता है कि जो व्यू यानी कि स्क्रीन पे जो भी आप लिख रहे हो उस वैल्यू को कंट्रोल कर सके। तो हम यहां यूज कर रहे हैं टीसी इक्वल्स टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर। तो मैंने एक टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर बना लिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये कंट्रोलर इसके साथ अटैच हो जाए, तो यहाँ पर एक फीचर होता है कंट्रोलर और टीसी, दैट्स इट, इतना करना है, कंट्रोलर अटैच हो गया। तो आपको ये समझना है कंट्रोलर बिल्कुल ऐसा काम कर रहा है कि जैसे कि हम टेक्स्ट बॉक्स पे कुछ भी टाइप करना शुरू करेंगे यहां पर, तो कंट्रोलर इसे मॉनिटर करता रहेगा कि भाई तुम क्या टाइप करो, और उस कंट्रोलर की वैल्यू को तुम कभी भी गेट करके आ सकते हो कि वो क्या वैल्यू में टाइप करो। तो इसका मतलब कंट्रोलर क्या कर रहा है, कंट्रोल लिसन कर रहा है वैल्यूज को, ध्यान देना, कंट्रोल क्या कर रहा है, वैल्यूज को लिसन कर रहा है कि एनी चेंजेस हैपन, सो आई एम लिसनिंग इट एंड यू कैन गेट द वैल्यूज, तो आप उन वैल्यूज को गेट करके आ सकते हो, ग्रैप करके आ सकते हो। हाँ जी, मेरी बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बिना कंट्रोल के तुम वैल्यू नहीं ले सकते, इसका मतलब दो टेक्स्ट बॉक्स होंगे तो दो कंट्रोल होंगे। तो इस बात को आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक बाइक है और आप बाइक को रेस दिए जा रहे हो उसकी, तो क्या होगा, उस रेस को देखने के लिए कि उस रेस में क्या वैल्यू आ रही है, तो आपके पास एक स्पीडोमीटर होता है, जो स्पीडोमीटर में हमारे पास एरो लगा होता है जो बताता रहता है कि स्पीड कितने तक पहुंच रही है। तो सपोज अगर ये जीरो पे है तो स्पीडोमीटर बढ़ता जा रहा है, और सपोज ये 40 है और यहाँ जाके 80 है आपके स्पीड, यहाँ जाके 100 हो रही है स्पीड, यहाँ जाके सपोज 120 हो रही है स्पीड, तो स्पीडोमीटर घूमता जा रहा है बेस्ड ऑन किस पे, कि आप उसका थ्रॉटल कितना बढ़ाते जा रहे हो। तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वो कंट्रोल कर रहा है चीजों का। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बात आप लोगों को। तो सेम हम कंट्रोल यहाँ लगा देते हैं, लेकिन हमें दो कंट्रोल लगाने पड़ेंगे, दो टेक्स्ट बॉक्स है दो कंट्रोलर, तो बेटर क्या है, हम यहाँ जाकर लिखेंगे TC1 टेक्स्ट कंट्रोलर 1, तो एक पहला कंट्रोलर और ऐसे ही एक दूसरा कंट्रोलर, और यहां मैं इसे पास नहीं करूंगा, समझो यहां मैं इसे नहीं लिखूंगा, यहां एज अ आर्गुमेंट मैं पास कर दूंगा टेक्स्ट एडिंग कंट्रोलर, और यहां लिख दूंगा कंट्रोलर। ठीक है, और यहां से पास कर दूंगा अंडरस्कोर कंट्रोलर। ठीक है,
तो मैंने यहां पर कंट्रोलर वर्ड पास कर दिया, ठीक है। और अब क्या करना चाहिए मुझे यहां से कि भाई मैं किसके ऊपर कंट्रोल लगाना चाहता हूं, मैं यहां जाके लिखूं _TC1 _TC2। दैट्स इट। हां जी, सबको मेरी बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, जो भी मैं टाइप करूंगा ना वो वैल्यू में गेट कर जाऊंगा अपने आप। देखो गाइस, किसी को डाउट, कोई डाउट है इसके अंदर तो? सर हां जी, हेलो सर, ये टेक्स्ट 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 फील्ड जो है, अगर हम जितनी बढ़ाएंगे उतना ही कंट्रोल बनाना पड़ेंगे फिर हमें? उतने कंट्रोल बनाने पड़ेंगे ताकि हम कंट्रोल कर सके। ये समझ में, टेक्स्ट फील्ड के साथ ही नहीं है, ये बहुत सारी चीजों के साथ होगा। जैसे अगर हम कोई स्लाइडर बनाएंगे और स्लाइडर को खींचेंगे तब भी कंट्रोल्स लगेंगे उसके ऊपर। तो समझना, जिन भी जिनकी भी चीजें वैल्यू चेंज होती है उन सबके लिए कंट्रोल्स बनाए गए यहाँ पर। ये एक तरीका है वैल्यूज को गेट करने का, ठीक है? समझ में आ रही है मेरी बात? वरना आप पता ही लगा पाओगे ना किसके अंदर क्या हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर कंट्रोल लगा दिया। अब ये जो कंट्रोलर TC1 या TC2 जो हमने यहाँ पर स्पेसिफाई करे, दोनों कंट्रोलर्स के साथ पास हो गया और ये एक ही टेक्स्ट बॉक्स में पास हो गया। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज को निकालना है। तो जैसे दानिश बात समझ आ गई, कंट्रोलर असल में क्या कर रहा है कि वैल्यूज को कंट्रोल करने के लिए बैठा है। तो आप ये समझना, वो आप जो भी वैल्यू में चेंज हो रहा है वो दे रहा है आपको। तो जैसे मैं कंट्रोलर को आप अपने दिमाग में कैसे डाल सकते हो, देखो एक एक पिक्चर से देखो जरा इस बात को कि कंट्रोल को आप दिमाग में कैसे डालोगे। तो यहाँ जाते हैं, fast.com खोलते हैं। आप सबको पता है ना क्या करती है fast.com? हाँ जी, ये इस वक्त जो हो रहा है क्या हो रहा है पता है आप सबको? ये क्या कर रहा है इस वक्त, कोई बताया मुझे? नेट की स्पीड निकाल रहा है, थोड़ा साइंस समझो इसकी। नेट की स्पीड निकाल रहा है तो क्या कर रहा होगा ये मेरे नेटवर्क को मॉनिटर कर रहा होगा या नहीं? यस सर। इसका मतलब अगर मेरा नेटवर्क बढ़ेगा या घटेगा, और ये मान लो इस सिंक में रहता है मेरे पास, अभी तो सिंक में ही रहता है क्योंकि मेरे को इसे दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा, चेक करना है मेरे को दोबारा से स्पीड। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास जब जब स्पीड चेंज हो रही है मेरे पास, और मैं एक ऐसा टूल लगा दूं जो मॉनिटर करता रहे कि भाई स्पीड बढ़ रही है कम हो रही है, बढ़ रही है कम हो रही है। सेम बात मैं बोल रहा हूँ कि सेम चीज हमारे पास लगी होती है बाइक या कार के अंदर, स्पीडोमीटर, हम ये वर्ड यूज करते हैं। तो बाइक में जो स्पीडोमीटर, इमेज पे देखें कि जो बाइक में जो स्पीडोमीटर दिखता है, ये क्या कर, वो स्पीडोमीटर क्या करता है, बढ़ता जाता है। इसका मतलब क्या कर रहा है, तो ये कंट्रोलर है। तो घर में जो फ्रिज के ऊपर आपके पास वोल्टेज मीटर लगा हुआ है या इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा हुआ है, ये सब एक तरीके कंट्रोलर्स है। तभी आपने कभी सुना हो कि ये इन्हें बोला भी जाता है कंट्रोलर है। एसी के साथ जो आपके पास लगा होता है, दीज ऑल आर वर्ड कॉल्ड कंट्रोलर। वही वर्ड यहाँ पर आया है, वो कह रहा है जो भी आप टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यूज को टाइप करोगे, उन वैल्यूज को, उसमें वैल्यू आपने बढ़ाई घटाई क्या किया आपने, दैट इज एक्चुअली गिवन बाय अ कंट्रोलर। समझ आ रही बात आप लोगों को? तो आपकी रियल वैल्यू मॉनिटर करने के लिए यू हैव अ कंट्रोलर। जैसे हमने उसका कंट्रोलर अटैच कर दिया ताकि हम उसकी वैल्यू को निकाल सके। डाइजेस्ट है सबको मेरी बात? अब हम क्या करते हैं यार, अब हम बोलते हैं कि अगर हमने इस बटन पे क्लिक किया, जो हमने दो बटन बनाया, क्रिएट बटन बनाया ना हम लोगों ने, तो अगर हमने बटन पे क्लिक किया तो वी वॉन्ट इन दोनों वैल्यूज को निकाल लिया जाए। तो मैं यहां पर बोलता हूं गेट नेम्स, मैंने एक फंक्शन बना दिया गेट नेम्स, ठीक है? तो गेट नेम्स का काम क्या है, दोनों वैल्यूज को निकालना। तो मैंने यहां बोला स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम को निकालने के लिए लिखा TC1 डॉट टेक्स्ट, बस इतना करना है, उसकी टेक्स्ट वैल्यू निकल कर आ गई, ठीक है? अब हमें यहां पर प्रमोद, जैसे देखो प्रमोद यार, ये तो कॉमन बात है ना कि जैसे हम कंट्रोलर को अगर हम कहीं पे फिट कर ले, अगर आप इसे पासवर्ड के साथ फिट कर लो, वहां फिट करके दिखा सकते हो कि मैंने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, वीक पासवर्ड है, वो भी कंट्रोलर है बिहाइंड द सीन। उसके आप जो बोल रहे हो वो कोड के पीछे की चीज है कि जहां हम कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, वीक पासवर्ड, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, या आप कई बार ऐसे देखते हो कि हम टाइप करते हैं टेक्स्ट बॉक्स में और टाइप करते जाते हैं, वो बताते हैं इतने करेक्टर लेफ्ट रह गए आपके पास, या आजकल मेल टाइप करते हो सजेशंस आते हैं टाइप करते करते कि इंग्लिश सजेशन आपके पास आ रहे हैं कि आपने यहाँ ग्रामर गलत लिखी है। तो ये सब के सब कंट्रोलर्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूँ कि कंट्रोलर सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स के साथ नहीं लगते, बहुत सारी चीजों के साथ लगते हैं। अगर आप स्लाइडर भी खींचते हो, जैसे आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, वहां पर आप रेंज सेलेक्ट करते हो अपने प्राइजेस की, तो वहां पर भी कंट्रोल लगा हुआ है, क्योंकि आप जैसे उसे ड्रैग कर रहे हो तो कंट्रोलर उसे नोट कर रहा है। तो कंट्रोलर इज अ जेनरिक वर्ड, ठीक है? इसलिए कोई टेक्स्ट बॉक्स के साथ उसे याद ना रखे, इट्स जस्ट अ जेनरिक वर्ड। तो आ जाते हैं जी यहाँ पर लास्ट नेम पे और टीसी,
तो किसी वैल्यू को कंट्रोल करने के लिए वी हैव अ कंट्रोल एंड वी आर गेटिंग अ टेक्स्ट वैल्यूज. ये दोनों टेक्स्ट वैल्यूज हमने गेट कर लिए हैं. अब जो टेक्स्ट वैल्यूज अपने पास आई हैं, टेक्स्ट वैल्यूज पे जाकर क्या किया जाए, इनको कॉनकैट कर दिया जाए. तो मैंने यहां जाके लिख दिया स्ट्रिंग फुल नेम, और फुल नेम में मैंने स्पेसिफाई कर दिया फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम, ये मैंने बना दिया. ठीक है, और इसे बोला स्ट्रिंग और गेट नेम्स के लिए इसका क्या नाम रख दिया, गेट फुल नेम. तो हम इस मेथड को कॉल लगाएंगे, ये हमें फुल नेम ला के दे देगा. बस इतना सा काम हम लोगों ने किया इसके साथ. लेकिन हमें अभी कैपिटलाइजेशन के ऊपर सोचना है कि कैपिटल कैसे करेंगे. अब क्या करना चाहिए मुझे, मुझे करना चाहिए कि ये जो गेट फुल नेम नाम का मेथड है, ये बटन के क्लिक पे चल पड़े. ठीक है, तो मैं यहां जाकर ध्यान देना, यहां पर एक फीचर है ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस पे मैं लिख दूंगा गेट फुल नेम, दैट्स इट. बस इतना काम करूंगा तो फुल नेम आ जाएगा. जो भी फुल नेम आएगा वो मेरे पास इस वेरिएबल में आ रहा है. तो इस वेरिएबल को मैं बाहर निकाल के रख सकता हूं या किसी जगह पर रख सकता हूं. ऐसे जैसे मैं रख दिया स्ट्रिंग ग्रीट, तो मैं लिख दिया स्ट्रिंग ग्रीट, और ग्रीट में लिख रखा मैंने वेलकम बाय डिफॉल्ट. ठीक है, या ब्लैंक छोड़ देते छोड़ो, तो वेलकम भी नहीं, सिर्फ ग्रीट लिख के छोड़ रखा है. और मैं बोल रहा हूं कि यहां ध्यान देना, यहां हमारी ऐप में अगर हम जाए तो हमारी ऐप में व्हाट आई वांट कि एट द बॉटम, कि यहां बॉटम पे मेरे को दिखे वेलकम और उस पर्सन का नाम. ध्यान देना, वेलकम और उस पर्सन का नाम, ये मुझे दिखे. सो इफ आई वांट कि वेलकम और पर्सन का नाम दिखे मेरे पास, तो मैं यहां जाकर बॉटम पे आई विल क्रिएट, इसके बाद आई विल क्रिएट अ टेक्स्ट विच इज गोइंग टू शो, जो हमें क्या डिस्प्ले करा करेगा, ग्रीट जो भी आएगा, और उस पर एक स्टाइलिंग दे देते टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज 30. ठीक है, ताकि यहां दिखना शुरू. तो यहां हमारी ऐप पे भी कुछ असर नहीं पड़ेगा इसका, दिखेगा यहां पर लेकिन एट द एंड. ठीक है, तो व्हाट आई वांट कि जैसे आप बटन पे क्लिक करो, तो बटन पे जाते हैं, जैसे आप बटन पे क्लिक करो गेट फुल नेम चल पड़े, और गेट फुल नेम जाकर ग्रीट में वो नाम भर के आ जाए. ध्यान देना, ग्रीट में वो नाम भर के आ जाए. तो मैं ऐसा करता हूँ ग्रीट ऐसा करके आ जाए, और उसके बाद सेट स्टेट हो जाए. ये सब तुम जानते हो, सेट स्टेट होते क्या होगा, वो चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाए. तो अब अगर हम यहां जाएं और यहां जाकर लिखे राम, और यहां लिखे हम कुमार, और यहां जाकर इफ आई डू ग्रीट, ठीक है, तो इसने कुछ बोला है. ठीक है, परफेक्ट बोल रहा है कुछ है. ये कह रहा है कि अ नॉन नल स्ट्रिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अ टेक्स्ट स्ट्रिंग. ठीक है, तो अब अगर हम यहां जाए, यहां कुछ गड़बड़ हुई है इस ग्रीट पे. ठीक है, तो क्या हुआ है, इसने जब ग्रीट को इनिशियलाइज करा होगा ना, तब तो तक वो ग्रीट मिल नहीं रहा होगा ऐसे. तो अगर हम यहां जाकर यहां जाकर जो ग्रीट आ रहा है इस पे अगर मैं ये लिख दूं कि भाई अगर वो मतलब उसे नल मिल जाता है किसी वजह से, तो उसे ब्लैंक ले ले. अब मैं इसे ग्रीट करता हूं, ग्रीट तो मैंने करा उसे, लेकिन 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 कि भाई क्या वो कॉल हुआ है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा. तो ऑन प्रेस किया, ऑन प्रेस पे गेट फुल नेम को कॉल लगाया, उसने फर्स्ट नेम निकाला. हाँ, यहाँ गड़बड़ आ गई, इससे हमने रिटर्न नहीं किया है फुल नेम, तो वो उसे मिला ही नहीं होगा. तो रिटर्न किया हमने यहाँ से फुल नेम, फुल नेम रिटर्न किया, तो रिटर्न होकर किसके पास पहुंचा, ग्रीट के पास. ग्रीट ने क्या बोला, सेट स्टेट. सेट स्टेट ने बोला ठीक है भाई, मैं दोबारा से रीएंटर करके आ जाऊंगा. इसे करते हैं हम सेव, यहाँ पहुंचे, ग्रीट पे क्लिक किया, देखो ये यहाँ आ रहा है, दैट इज अ प्रॉब्लम. और इसका प्रॉब्लम जानते हो ये यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने शायद इसे रो में रख रखा है. तो अगर हम नीचे जाएं तो ये रो का पार्ट बन गया है, और इसे हमें किसका पार्ट बनाना है, कॉलम का. तो हम देखें रो के ठीक नीचे यहाँ जाकर कॉलम का कोड आएगा, तो ये यहाँ दिखेगा, देखो राम कुमार. ठीक है, लेकिन दिखना क्या चाहिए हमें, पहला लेटर कैपिटल, ये नहीं भूलना हम लोगों को. पहला लेटर क्या दिखना चाहिए, कैपिटल. तो जो पहला लेटर कैपिटल दिखना चाहिए हमें, उसके लिए क्या करना चाहिए हमें, यहाँ जाकर एक और फंक्शन बनाकर आ जाना चाहिए स्ट्रिंग, और इसका नाम देते जी हम इनिट कैप, कि भाई इनिशियल लेटर को कर दो कैपिटल. तो जो भी तुम पहला नाम मेरे को पास करोगे नेम, उससे मैं कैपिटल कर दूंगा. कैपिटल करना बड़ा आसान सा काम होता है. देखो नेम उठाओ, उसमें से जीरो करेक्टर उठाओ, उससे अपर केस करके आ जाओ. तो पहले करेक्टर को, जैसे कि अमित है मेरे पास नाम, तो मेरे पास अमित ऐसा लिख के दे दिया किसी ने, ए एम आई टी ऐसा दे दिया. तो पहले करेक्टर को उठाओ इससे और से कैपिटल कर दो, तो हो गया कैपिटल. लेकिन बाकी सबको क्या कर दो, स्मॉल. तो बाकी सबको कैसे उठाओगे, बाकी सबको उठाने के लिए आप लिख दो नेम डॉट सबस्ट्रिंग वन. तो अगर हम ऐसा लिख देंगे नेम डॉट सबस्ट्रिंग वन डॉट टू लोअर केस, दैट्स इट. आप सबको मेरी बात समझ में आई है,
तो इससे क्या हो गया हमारे पास एक फंक्शन बन गया एडिट कैप जो हमारे नाम को कैपिटल पे कर देगा और फर्स्ट नेम जब हमने निकाला तो हम फर्स्ट नेम के ऊपर लगाए थे इसको कहते हैं भाई जो नाम निकल कर आएगा उसको कैपिटल कर दे और जो लास्ट नेम निकल कर आएगा उसको भी कैपिटल कर दे तो दोनों के नाम के पहले पहले कैरेक्टर कैपिटल हो जाएंगे और इन दोनों के बीच में एक स्पेसिंग दे दे नेम्स के बीच में। तो अब अगर हम इसे चेक करने जाएं तो आप देखोगे इसे एक बार मैं रन करता हूं ताकि ये पुराने आउटपुट्स को हटाए तो मैंने इसे रन किया तो दोबारा से रीलोड कर देगा आपको यहां रीलोड हो गई और सपोज मैंने यहां लिख दिया अमित लिख दिया श्रीवास्तव और इसको हटा दिया मैंने और ग्रीट पे क्लिक किया तो ऐसा आ गया। क्लियर हो गया आप सबको और ये पूरा ग्रीट करना चाहिए थे तो हम यहां जाके बोल सकते हैं कि इसके आगे भाई डाल दे वेलकम प्लस। ठीक है तो अब अगर हमने ऐसा कर दिया वेलकम प्लस करके तो अब अगर मैं फिर से ग्रीट करूंगा तो देखो ऐसा आएगा वेलकम। हाँ जी सबको डाइजेस्ट है मेरी बात ये समझ में आया सबको। तो इसमें हमने टेक्स्ट बॉक्स सीख लिया टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल का फंडा समझ लिया। अब आप लोगों के ऊपर मैं इसी में थॉट प्रोसेस छोड़ रहा हूं कि ध्यान देना ग्रीट और क्लियर एक ही बटन है क्योंकि वो एक ही मेथड से बनते हैं है दो अलग बटन लेकिन बने एक मेथड से रहे। तो आपको समझना ये है कि क्लियर पे ये दोनों टेक्स्ट बॉक्सेस क्लियर हो जाने चाहिए ठीक है और ग्रीट पे वेलकम का मैसेज आना चाहिए जैसा अभी आ रहा है। तो ये आपको एडिशनल काम करना है इसके अंदर अब सोच के बहुत छोटा सा दिमाग लगाना है। हिंट है कॉल बैक फंक्शन हिंट दे रहा हूं कॉल बैक फंक्शन जो हमने पढ़े थे फर्स्ट नेम में मिडिल नेम दिया तो कोई बात नहीं मिडिल नेम छप जाएगा आपको तीन टेक्स्ट बॉक्स बनाने चाहिए फिर समझ रहे हो कि आपको या आपको एक ऊपर बटन बनाना चाहिए कि आपका नेम में फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम है या फर्स्ट नेम लास्ट नेम है समझ रहे हो। तो अगर कोई हम मिडिल नेम लिखता है तो मिडिल नेम लिखने तो क्या फर्क पड़ता है उसे ये तो आपको उस हिसाब से डिजाइन करनी पड़ेगी ना आपकी रिक्वायरमेंट हम तो इसके हिसाब से डिजाइन किया है मेरे हिसाब से ऐसा बात समझ में आई हो तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देते हम कोड के अंदर हमें ये देना है कि भाई चूज कर लो कि आपके पास फर्स्ट नेम लास्ट नेम और मिडिल नेम ऐसा तीन बॉक्स दे दो जिसमें से मिडिल नेम को ऑप्शनल कर दो जनरली यही करते हैं सब लोग ठीक है। हाँ जी तो मैं इस कोड को कर रहा हूं अपलोड तो हम लोगों ने आज समझ लिए ग्रीट ऐप कल हम कुछ और ऐप्स की तरफ जाएंगे उसे और समझेंगे यानी कि अब ये तो सबसे आसान थी अब इसे थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऐप की तरफ जाएंगे फिर उससे भी कॉम्प्लेक्स ऐप की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब समझना धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने वाला हूं क्योंकि देखो पहले मैंने डिजाइनिंग सिखा दी तुम लोगों को अब कोडिंग सीख रहे हो कि डिजाइनिंग के साथ डायनेमिक बना रहे हो क्लिक करोगे तो क्या होगा टेक्स्ट बॉक्स में से वैल्यू कैसे निकालोगे तो हम ऐसी चीजों पर आ रहे हैं ठीक है। तो अब डिजाइनिंग तो मैं मान के चलूंगा एजम्पशन है कि आपको डिजाइनिंग पता है और हम इसके अबव नेक्स्ट लेवल है दिस इज व्हाट आई एम थिंकिंग। ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम कोई लाइब्रेरी यूज नहीं करनी है डेट नाम से अपने पास क्लास होती है वो हमें डेट निकाल के दे देती है ठीक है। तो आप डेट टाइम दोनों निकल कर आ जाएगा उसके बेसिस पे आप उसे ब्रेक करोगे और फिर आप सारी चीजें निकाल सकते हो उसके अंदर से। तो आपको समझना डेट टाइम निकालने के लिए वी हैव अ प्रीडिफाइंड थिंग। तो यहाँ पर अगर मान लो आप डेट निकाल रहे हो तो यहाँ जाकर आपको मिल जाता है डेट टाइम तो मैं अगर यहाँ जाऊँ डेट टाइम ठीक है ये प्रीडिफाइंड क्लास है डार्ट कोड से आ रही है आपके पास तो आप इसे यूज कर सकते हो। ये आपको अगर आप देखोगे तो ये आपको करंट डेट टाइम गिवन कर देगा ठीक है। तो अगर इसमें शायद मेथड होगा डेट टाइम डॉट नाउ ये आपको दे देगा करंट डेट टाइम ठीक है इसे आप निकाल लोगे इस नाउ मेथड को तो इसने आपको दे देना डेट टाइम उस डेट टाइम में से आप पता लगाओगे कि इस टाइम क्या चल रहा है कि भाई ये मॉर्निंग का टाइम है तो इसको मतलब अगर टाइम आएगा मेरे पास 13 से लेकर 24 के बीच में तो इसका मतलब आफ्टरनून शुरू हो चुका है उससे पहले आ रहा था मॉर्निंग आ रहा है उसके बेसिस पर आप एएम पीएम डिसाइड करोगे ठीक है। तो डेट टाइम डॉट नाउ इज अ हिंट प्रमोद ठीक है और वो डार्ट कोर में सारा कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट करने की नीड नहीं है उसमें। अब आ रहा हूं जी मैं इस कोड को शेयर करने के लिए आप लोगों को और कोई डाउट है किसी के तो पूछ सकते हो इतने रैंडम करने के लिए यार कुछ नहीं करना उसके लिए भी मैथ नाम से अपने पास है दोस्त मैथ में जाओ और मैथ में ही मिल जाएगा हमें आई थिंक एक मिनट मैं यहां जाता हूं देयर इज अ थिंग कॉल्ड इंपोर्ट डॉट डॉट का फीचर है सब ना डॉट मैथ इसमें अगर आप चल जाते हो तो आई थिंक सो इसी में से आता है मैथ आई थिंक इसी के अंदर मिलता है मैं वही चेक कर रहा हूँ है किसके अंदर
इसी में आपको मिल जाना चाहिए रेंडम डॉट डॉट के अंदर बैठा हो मेथड, जिससे आप रेंडम निकाल कर आ सकते हो। मैं चेक कर लेता हूं मैं मेथड का नाम क्या है। ये है जी, ठीक है। तो रैंडम में ये है सीड जो आप दोगे, ठीक है। तो अगर आप रैंडम में सीड दोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अगर आपको रैंडम नंबर निकालना है तो रैंडम डॉट ये सीड, तो अगर आप यहां जाके सीड दो उसको, सपोज आपने दिए 100, तो आपके पास रैंडम नंबर निकल कर आएगा 100 के बीच में, ठीक है। तो जैसे आप रैंडम यूज करोगे तो इट इज गिविंग यू अ रैंडम नंबर इन 100 के बीच में, और फिर आप इसमें से ऐसे मांग सकते हो, नेक्स्ट इंट भी मांग सकते हो, नेक्स्ट इंट से भी आपके पास वो रैंडम जनरेट होते रहेंगे, ठीक है। तो अगर मैंने रैंडम लिख दिया तो मेरे पास बन जाएगा जी रैंडम का एक ऑब्जेक्ट, ये बन गया मेरे पास ऑब्जेक्ट रैंडम का। और अब मैं बार बार मांग सकता हूँ नेक्स्ट इंट या नेक्स्ट बुलियन व्हाटएवर, ठीक है। और यहाँ स्पेसिफाई करता हूँ कि 100 में से ही निकाल के देता रहे मेरे को रैंडम नंबर, तो आपके पास यहाँ आते रहेंगे रैंडम नंबर, ठीक है। आई होप ये समझ में आई बात कि रैंडम नंबर कैसे निकालना है। तो ये मैं कमेंट करके छोड़ रहा हूँ, जिसको भी रैंडम निकालने हो वो इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इंट है, नेक्स्ट इंट के अंदर ये पैरामीटर है, लेकिन सब डार्ट का फीचर है, फ्लटर कुछ नहीं करता इसमें, क्योंकि लैंग्वेज के फीचर है। और कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ लो, और मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आप लोगों को इस कोड को। आज हमने किया है प्रमोद का क्वेश्चन है, इफ यू स्क्रॉलेबल व्यू इन रो और कॉलम। यार अभी मैं प्रमोद अगर इसे आंसर करना शुरू करूँ ना तो ये बहुत आगे की चीज है। स्क्रॉलेबल व्यूज, स्क्रॉलेबल व्यूज के लिए हम आगे चल के पढ़ेंगे कि हम स्क्रॉल कैसे कर सकते हैं। एंड वी वॉन्ट स्टैग एलिमेंट शुड स्क्रॉल वेन विद देम, हाउ टू पोजिशन देम, मतलब आप चाहते हो ना कि वो भी हो। तो इसके लिए ना जब हम चाहते हैं कि सब कुछ स्क्रॉल हो, अगर आप चाहते हो कि रो भी स्क्रॉल हो, कॉलम भी स्क्रॉल हो, उसके स्टैग भी, यानी कि पूरी एप्लीकेशन स्क्रॉल हो, तो उसके साथ यूज होता है स्लीवर जैसी चीजें। तो हम स्लीवर पे चल जाते हैं, स्लीवर विजिट्स बनाएंगे अलग से जब सब पे स्क्रॉल चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया पे चाहिए तो फिर नॉर्मल स्क्रॉलिंग व्यू से काम चल जाता है। तो वहां पर कस्टम स्क्रॉल्स बने हुए हैं अलग से, उधर से आप स्क्रॉल करके आ सकते हैं, लेकिन वो राइट टाइम है जब हम वहां तक पहुंचे। अभी ये सब रो कॉलम स्टैक पे बैठे और मैं इस मूवमेंट पे इसलिए बात नहीं कर रहा है। अभी हम आएंगे जब स्क्रॉलिंग वाले टाइम पे, तब हम इस सब चीजों को पिक करना शुरू कर देंगे। अभी जितनी भी चीजें गाइस वो सब फिक्स्ड है, स्क्रॉल नहीं होती है, ठीक है। अभी हम आगे चल के जब डायनेमिक डेटा पे खेलेंगे तब स्क्रॉल वाली चीजें आएंगी, देन आई विल टेक केयर कि ये सब चीजें कैसे आने वाली है। मैं आया हूं जी यहां पर और एक बार मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ ताकि मुझे दिख जाए कि आज के कोड कौन से थे। ये फ्लिपकार्ट में मैंने चेंज किया था, 8 में मैंने चेंज किया है, ये फाइलें हैं, ठीक है। तो मैं ये पूरा फोल्डर शेयर कर रहा हूँ लिब का, और इसका नाम रख रहा हूँ मैं कोड फाइल। प्रमोद आप कुछ हाँ या ना मेरे को बता दिया करो कि हाँ जी बात समझ में आई नहीं आई। क्वेश्चन तो आप पूछ लेते हो उस पर कोई आंसर नहीं होता, तो ये पता रहे कि हाँ जी आपको मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं, कि सिर्फ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ये नहीं बताऊंगा कि हाँ या ना, ठीक है। मुझे ये बता देगा सब लोग कि जिसने क्वेश्चन पूछ लिया कि मेरी बात समझ में आई या उसके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। तो मैं फिर और एलिब्रेट करूंगा इस चीज को। तो जैसे हम डायनेमिक पे आएंगे ना तब सब कुछ स्क्रॉल पे आएगा, हर चीज स्क्रॉल चलेगी, क्योंकि हमें पता नहीं होगा कितना रिकॉर्ड आने वाले। ये हम करेंगे, एक ऐप बना ले पहले, एक और बनवानी है पहले आप लोगों को मैंने, ताकि और कॉन्फिडेंस आ जाए, फिर मैं लेके जाऊंगा आपको। यानी कि आज है वेडनेसडे पे, थर्सडे फ्राइडे हम होंगे डायनेमिक चीजों पे, ठीक है। तो एक बार मैं इसे अपलोड कर रहा हूँ इसको, और कोई क्वेश्चन गाइस जितने जब तक मैं अपलोड कर रहा हूँ पूछ सकते हो। ये भी डाल दीजिए कोड 5 नाम से आज का कोड, जिसमें सारा कोड जा रहा है आपका।
ये कर दिया मैंने आप लोगों का कोड अपलोड इस पे. ठीक है गाइस, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन एंड वी विल मीट टुमारो. एक और ऐप के साथ मिलेंगे हम, एक और ऐप देखेंगे, फिर हम लोग उसके बाद आएंगे डायनेमिक के पास कि सर्वर से डेटा कैसे लेकर आया जाता है. ठीक है गाइस, चलो जी, सो वी विल मीट टुमारो. थैंक यू गाइस.